Hi guys, Chaitali here. So good evening to all. It's a day two for Azure Fundamental Bootcamp. Guys, we'll wait for 5 minutes. हम लोग 5 मिनट और रुकेंगे क्योंकि participants join हो रहे हैं. So we'll wait for more 5 minutes. फिर मानसी start कर लेगी अपना session. She will start with her session. Thank you guys.
Okay, so guys, Mansi will start now. So if you have any doubt or question, कोई भी doubt or questions रहेंगे आपके, तो just put it in the chat box. My team will answer to it. I repeat, कोई भी doubt या questions आपको रहेंगे, तो just put it in the chat box. Chat box is open to all. Yeah, Mansi, you can go ahead. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे है सब? तो मानसी, जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. गाइज, द वन हु हैड आरएसवीपीड एंड अटेंडेड यस्टरडे सेशन, ओनली दोज अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड. Others who want the account to be created, so I will share one link on in the chat box. Just update, like just share the details in that form. Fill in your details in that form so that we can create the account. But one thing you have to ensure, if we are creating your account, you need to attend all the sessions. It is mandatory that you attend all the sessions. Attendance will be taken every day. So if we found any one of the session is not being attended, your account will be deleted. So please ensure that you attend all the sessions for all those of you whose account has been created. So others who has attended and RSVP'd as well, kindly check your junk or spam folder. And even if you don't see that, just drop a message in the chat box that that you have already checked it and you have not received. We'll see, we'll look into that. Okay, Mansi, you can continue. I'll just share the link in the chat box shortly. तो सुनीता एक लिंक शेयर करेंगे आपके साथ, आप वो देखिए. ओके, जिन्होंने जिनको अकाउंट खोलना है उसके लिए वो लिंक शेयर कर रही है. ओके, आप तुरंत जाके वो अकाउंट खोल लीजिए, फिर आपको जो मेरे मटेरियल्स, हमारे जो मटेरियल्स है, ओके, आपको एक्सेस कर पाएंगे. हम लोग ने यहाँ पे एक फोरम क्रिएट किया हुआ है डिस्कशन के लिए, तो अगर आपके आपका कोई डाउट है, you can come and post it over your discussions में आके. Okay, और आप you can connect with my team, मेरे team के साथ आप connect कर सकते हैं और हम आपको वो देंगे answers जितना जल्दी हो सके देंगे. तो आ जाते हैं, जैसे कि मैंने संडे के सेशन में बोला था और कल भी आपसे मेरे एक कलीग ने बात की थी. हम उन्होंने बताया आपको कि इसमें तीन मॉड्यूल्स रहते हैं, मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री. तो हम आज से मॉड्यूल वन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जैसे कि कल बताया होगा, मॉड्यूल वन का वेटेज कितना होगा एग्जाम में और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, वो भी मैंने इसमें हमने शेयर किया हुआ है. तो अगर मुझे आपको बताना है तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ. ओके, तो जो मॉड्यूल वन है, सबसे फंडामेंटल मॉड्यूल है. ओके, तो इसमें मैं बताऊंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. तो जिन्होंने संडे को सेशन अटेंड किया था उनको तो ऑलरेडी एक आइडिया आ गया है. ओके, फिर मैं बताऊंगी कि उसमें कौन से क्लाउड मॉड्यूल्स है, क्या क्या सर्विसेज है क्लाउड की, क्लाउड यूज क्यों करें. आप सोच रहे होंगे कि क्यों लोग क्लाउड पे आजकल शिफ्ट कर रहे हैं, वो क्यों यूज करें, और मैं आपको बताऊंगी उनके बेनिफिट्स क्या है. ओके, ये सब आज हम कवर करेंगे. उसके अलावा मैं थोड़ा सा मॉड्यूल टू भी कवर करूंगी. ओके, तो मॉड्यूल टू में क्या क्या कवर करूंगी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको कल एक्सेस इसका मिल जाएगा. ओके, जो है रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स और सब्सक्रिप्शंस एंड रिसोर्स ग्रुप, तो ये दो टॉपिक भी मैं आज कवर करूंगी आपके साथ. ओके, तो ये जो मॉड्यूल टू है वो आपको कल एक्सेस होगा और मॉड्यूल थ्री फिर परसों. ओके, तो क्योंकि सब नहीं आ सके संडे के बूट कैंप में, तो मैं शुरू से शुरुआत करूंगी इसके बारे में. तो पहले तो मैं बताऊंगी कि आज का एजेंडा ये है. तो हम सीखेंगे कि क्लाउड का क्यों आया. ओके, उसके पहले क्या यूज होता था, क्या सिचुएशन थी, क्या लोग यूज करते थे. ओके,
कि फिर उसके बाद आएंगे कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ओके क्यों चाहिए वो आप को तुरंत पता चल जाएगा कि उसकी जरूरत क्या है, ओके फिर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्या है, ओके एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे दूंगी उसके बारे में. फिर हम आएंगे क्लाउड बेनिफिट्स पे कि ये तो मैं पहले ही बोल दूंगी, थोड़ा सा मैं आपको बोल दूंगी कि क्लाउड क्यों है, कैसा है, और पॉइंट्स मैं आपको ऐड करके दूंगी कि उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों क्लाउड यूज कर सकते हैं, और आपको रीजंस दूंगी यूज करने के लिए, तो वो है क्लाउड बेनिफिट्स में. फिर मैं बताऊंगी कैपेक्स और ओपेक्स के बारे में कि कैपेक्स क्या है, ओपेक्स क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है. फिर हम आएंगे कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, जो अज्योर का मॉडल है जो वो फॉलो करते हैं, ओके इन टर्म्स ऑफ आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और उसका अप्रोच क्या है, वो मैं बताऊंगी. फिर है क्लाउड मॉडल्स, कौन कौन से तरह के क्लाउड मॉडल्स है, ओके अज्योर कौन से तरह का क्लाउड मॉडल है, वो मैं बताऊंगी. फिर आएंगे क्लाउड सर्विसेज पे, कौन कौन से अलग अलग सर्विसेज है क्लाउड पे, वो मैं आपको बताऊंगी, ओके फिर इन सर्विसेज में आपका क्या रोल है, क्लाउड का क्या रोल है, जो आई मीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसका क्या रोल है, वो मैं आपको बताऊंगी. फिर हम आएंगे रीजन्स पे, रीजन्स क्या है, क्यों चाहिए रीजन्स, ओके फिर रीजन्स का ही एक हिस्सा है अवेलेबिलिटी जोन्स, वो मैं आपको बताऊंगी. फिर हम आएंगे अज्योर के ऊपर, अज्योर के रिसोर्सेज के बारे में सुनेंगे, ओके उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि रिसोर्सेज है क्या. फिर आएगा रिसोर्स ग्रुप्स, ओके जब हम उसमें जाएंगे मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी. फिर है अज्योर सब्सक्रिप्शंस, वो क्या है, और मैनेजमेंट ग्रुप्स. तो जो संडे अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए एक जल्दी से ओवरव्यू बता देती हूँ, ओके पहले क्या होता था, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर क्लाउड केम, ओके वो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ. क्या होता था कि हमने एक टर्म सुना है सर्वर्स, ओके तो सर्वर्स क्या होते थे, एक फिजिकल डिवाइस है जहां पे हम हमारी जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वो हम डिप्लॉय करते थे, करेक्ट. जो पहले के लोग जो थे वो लोग सर्वर्स खरीदते थे, सर्वर्स पे अपना एक वेबसाइट बनाते थे, ओके मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बना लिया, ओके और फिर लोगों को वो अवेलेबल हो जाता था, ओके जो सर्वर जो टर्म है हम उसको आम भाषा में इंटरनेट बोल देते हैं, ओके तो पहले क्या होता था कि जो सर्वर थे बहुत महंगे थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, ओके लोग को बहुत क्या बोलते हैं हम, कैपिटल डालना पड़ता था, बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे, ओके आजकल लोग देखते हैं ना शार्क टैंक, बहुत पॉपुलर हो गया है शार्क टैंक, तो उसमें कंपनीज क्या करती है, जाके दूसरों से फंडिंग लेती है, तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, बराबर पैसे दूसरों के लेने के, अपने कंपनी में डालने के, उसके बदले में हम इक्विटी देते हैं, कंपनी का एक हिस्सा देते हैं, करेक्ट. तो वही होता था पहले, लोग जाके लोगों को एक सर्वर क्रिएट, एक इंटरनेट का फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सर्वर्स बाय करने पड़ते थे, और वो कुछ सस्ते नहीं है सर्वर्स. आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे जाके तो आपको पता चलेगा. वैसे ही आपको अगर वेबसाइट बनानी है, एप्लीकेशन बनाना है, लोगों को वो अवेलेबल करना है, तो आपको एक सर्वर से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारे सर्वर्स लगेंगे, ओके तो आपको उसके हिसाब से बहुत पैसा डालना पड़ता है, बहुत कॉस्ट इंटेंसिव हो जाता है वो चीज, ओके तो उसको खरीदना, उसको अपने साथ रखना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. ठीक है, आपने वो खर्चा भी उठा लिया, आपने वो इन्वेस्टमेंट भी कर ली, पर वहां पे सिर्फ इन्वेस्ट, सिर्फ सर्वर्स बाय करने तक इन्वेस्टमेंट नहीं रहती. उसके बाद क्या होता है, आपको वो सर्वर्स मेंटेन करने पड़ते हैं. अभी मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें आती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है, क्योंकि सर्वर तो चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, पावर लगेगा, बराबर. फिर आपको उसको कूलिंग देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है सर्वर्स बहुत जल्दी क्या बोलते हैं हॉट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हीट आने लगती है उनमें, करेक्ट. तो उसको कूल डाउन रखना पड़ता है हमें, तो उसके लिए क्या लगता है हमें, एसी लगेगा,
ओके, तो वो एक चीज हमें डालनी पड़ेगी, उसका भी पैसा अलग से लगेगा, एसी इंस्टॉल करो, उसका इलेक्ट्रिसिटी दो, ओके. फिर हम जिस जगह पे सर्वर रखेंगे, क्योंकि सर्वर्स बहुत स्पेस लेते हैं, बहुत जगह लेती है, जैसे कि मैंने बोला एक सर्वर नहीं चाहिए, बहुत सारे सर्वर्स चाहिए आपको, तो उसके लिए जगह तो लगेगी, तो वो उसका एक कॉस्ट आ गया, उसका उसका अलग से पैसा लगेगा. फिर आपको एक टीम लगेगी जो सर्वर्स को मेंटेन करेगी, ओके. हाँ, कुछ फॉल्ट हो गया, कोई कौन सा सर्वर बिगड़ गया, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका अपडेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक आपको एक अलग से टीम देनी पड़ेगी, करेक्ट. तो उसमें भी बहुत कॉस्ट लगता है. आपको ऐसा लगता है बहुत सस्ते में हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत पैसे डालने पड़ते हैं, ओके. तो ये तो हो गया, इन्वेस्टमेंट किसी से मिल गई, मान लो स्टार्टअप है, स्टार्टअप कहाँ से लाएगा इतना पैसा, करेक्ट. स्टार्टअप को अगर अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, एक या फिर एक एप्लीकेशन लॉन्च करना है, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा, उनके पास तो स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं रहता, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, तो कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे. चलो मान लो मिल भी गया, पर अभी फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट करेगा. मान लो अभी हॉलीडे सीजन है, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया, दिवाली आ गई, अभी रिपब्लिक डे गया, करेक्ट. तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिस्काउंट्स लाते हैं, राइट, ताकि पब्लिक आए उनपे, उनके वेबसाइट पे लोड बढ़े, ट्रैफिक बढ़े, लोग चीजें खरीदे, राइट, क्योंकि उनका टर्नओवर अच्छा हो, ओके. तो वो तो हो गया, मान लो अमेजोन को तो हो जाएगा, उनका तो हो जाएगा, वो लोग ट्रैफिक मैनेज कर लेंगे. पर अगर ये स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप प्रिडिक्ट कर पाएगा कि उनका कब वेबसाइट पॉपुलर होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है. मान लो एक साल दो साल लग गए, ये तो बहुत कम टाइम है, 5 साल लग गए, और उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो सर्वर्स का मैंने जो बोला, वो उसको हम टर्म देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करके रख दिया, तो क्या हो रहा है, एक दो साल उनका स्टार्टअप चला नहीं, करेक्ट, कुछ रिटर्न आ ही नहीं रहा, वो लोग उनके ट्रैफिक पे, उनके वेबसाइट पे आ ही नहीं रहे हैं, तो लोड कहाँ से बढ़ रहा है, कुछ कहाँ से भी लोड बढ़ नहीं रहा है उनके इस पे, करेक्ट. तो उनको फिर क्या होता है कि हम हमारा जो फ्यूचर है प्लान कैसे करें. मान लो एक दो साल हो गया, उनका वेबसाइट सडनली पॉपुलर हो गया, सडनली उनके वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आने लगा, बहुत सारे लोग उनके वेबसाइट पे जाने लगे, उनको रिकॉग्निशन मिला, उनको पहचान मिली, तो वो लोग, उन लोगों के पास तो रिसोर्सेज है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सर्वर्स तो बहुत लिमिटेड है, तो तब क्या करेंगे आप. और सर्वर्स इंस्टॉल करने के लिए उनको एक या दो दिन तो लगते होंगे, उनको कॉन्फिगर करने के लिए एक दो दिन तो चाहिए, तब तक तो कस्टमर तो रुकेगा नहीं, बराबर. तब फिर और क्या होगा कि लोड बढ़ गया, तो हमारे पास सर्वर नहीं है, अभी आइडियल था, सर्वर चल नहीं रहे थे, तो तभी उनका क्या हो रहा था, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था सर्वर्स का, जब लो पीक था, पर अभी सडनली हाई पीक हो गया और बहुत सारा यूटिलाइजेशन हो गया. तो आप देख रहे हैं बहुत डिफरेंस हो रहा है, कुछ पीरियड में आइडियल रह रहा है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि फेस्टिवल नहीं है, तब आपका सर्वर आइडियल रह रहा है, कौन जाके रोज शॉपिंग करेगा, कौन जाके कोई एक वेबसाइट चेक करेगा, कोई नहीं जाके देखता रोज, करेक्ट, तभी तो आइडियल रह रहा है, कब उसका यूज ही नहीं हो रहा है. वेराज जब फेस्टिवल आ गया, कोई हॉलीडे सीजन आ गया, या फिर से वीकेंड भी आ गया, तो लोड बढ़ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ रिसोर्सेज नहीं है, ओके. और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कब लोड बढ़ेगा, कभी भी बढ़ सकता है, ओके. तो ये थी सिचुएशन बिफोर क्लाउड कंप्यूट, क्लाउड आया. तो क्लाउड ने क्या बोला कि देखो मेरे पास सर्वर्स है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तुम्हें जितने सर्वर्स चाहिए तुम मुझसे उधार लो, उसको यूज करो, नहीं चाहिए तब मुझे वो वापस दे दो, और जितने टाइम के लिए तुमने वो यूज किया है, जितना यूज किया है, उसके सिर्फ मुझे पैसे दो, ये क्लाउड ने बोला. तो उसको हम बोलते हैं बाइंग और प्रोक्योरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
जब चाहे तब मुझसे उधार लो, जब चाहे नहीं मुझे वापस करो, मुझे उसका आप बोलते ना भाड़ा दो, वही भाड़ा मुझे दो। तो ये सिचुएशन क्लाउड ने बदली। तो अभी इसमें क्या एडवांटेज आ गया आपको कि आपके वेबसाइट पे सर लोड बढ़ गया, आप क्या कर सकते हो फिर क्लाउड को जाके बोल सकते हो भाई मुझे और थोड़े सर्वर्स चाहिए, दोगे क्या, मैं आपको पैसे दे दूंगा उसका। हम कुछ चीज उधार लेते हैं तो हम लोग देते भी है ना वापस, वही चीज इंटरेस्ट के साथ हो, भले ही हो पर हम दे देते हैं, करेक्ट। तो वही चीज हम उनसे उधार पे लेंगे, यूज करेंगे, जब फेस्टिवल खत्म हो गया मेरे सर्वर्स अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं उनको वापस दे दूंगी, हम उसको बोलते हैं रोल बैक, हम उसको वापस दे देंगे, ओके, और जितना हमने यूज किया है हम उसका पैसा दे देंगे। तो उससे क्या हो रहा है, मुझे फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी पड़ रही, जब चाहो मैं तब सर्वर्स ले सकती हूँ, जब चाहे नहीं ले चाहिए मैं वापस दे सकती हूँ, बराबर। और सिर्फ मुझे जितना रेंट है उतना भरना है। उसके साथ एक और एडवांटेज क्या आ रहा है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं देना पड़ रहा है मुझे, ना मुझे सर्वर्स बाय करने पड़ रहे हैं, ना मुझे इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ रही है, ना मुझे पावर का मेंटेनेंस देखना पड़ रहा है, ना मुझे ओवरऑल वो रिसोर्सेस का या इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस देखना पड़ रहा है, ना मुझे अलग से एक टीम को पैसे देने पड़ रहे हैं, सैलरी देनी पड़ रही है, बराबर। तो ये सब चीजें क्लाउड ने बदल दी, ओके, ये सब चीजें वो लाया तो एक रेवोल्यूशन बना दिया उसने। उसके कारण आज क्लाउड बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारी स्टार्टअप्स आ रही है, बहुत सारी कंपनीज क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास स्पेस नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते सर्वर्स, तो क्लाउड उनको वो मदद देता है, ओके। तो क्लाउड हुआ क्या, क्लाउड का ये डेफिनेशन है कि आपको जो भी रिसोर्सेस चाहिए आप मुझसे ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझसे ले लो, आप अपना खुद का वेबसाइट बना लो, एप्लीकेशन बना लो, कुछ भी आपको अगर सर्विस चाहिए आप कर लो, उसका सिर्फ मुझे रेंट दे दो। तो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपको अगर क्लाउड पे कुछ कंप्यूट करना है, कुछ भी आपको उसका इस्तेमाल करना है, इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट पे चीजें डालनी है, वर्चुअल करनी है आपको अगर चीजें, तो हम उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ योर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ओके, ताकि लोगों को जल्दी मिल सके, ओके, और कहीं पे रुकावटें ना आए आपके एप्लीकेशन में और आपके सर्विस में। तो फिर आपको क्या, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या बता रहा है कि अगर आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है आप मुझसे ले लो, नहीं चाहिए आप मुझे वापस कर लो। और इसको एक और टर्म है इलास्टिसिटी। जो वापस आएगा टर्म मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी, ओके। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ, जब चाहे तब मैं रिसोर्सेज रेंट कर सकती हूँ, जब चाहे मैं रिसोर्सेज वापस दे सकती हूँ, ओके। तो हम उसका एक और टर्म है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, ऑन डिमांड, क्योंकि आप डिमांड पे ले रहे हो, जब आपके वेबसाइट पे डिमांड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, तभी आप रिसोर्सेज आपको ज्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए, बराबर। तब तो इसलिए उसको अलग से टर्म है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं आजकल,
ओके, कोई अगर क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या CSP. तो अभी हम घर पे सबके टीवी तो रहेगा बराबर, तो टीवी पे कैसे चलता है सब, कोई तो आपको केबल दे रहा है, कोई आपको कहीं से तो नेटवर्क लाके दे रहा है, भले ही वो फाइबर ऑप्टिक्स हो या DTH हो, डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट से हो, जैसे टाटा स्काई का है. ओके, तो कहीं से तो आपको आ रहा है, वो सर्विस आ रही है ताकि आप इतने सारे चैनल्स देख सकते हैं बराबर. सिमिलरली वैसे ही आपको क्लाउड एक प्रोवाइडर देता है तो उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. और आजकल बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि अजियोर, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विस, ओके, AWS और IBM, ऐसे बहुत सारे हैं. ओके, मैंने जस्ट जो पॉपुलर है वो नाम लिए. ओके, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोप्राइटरी क्लाउड प्लेटफॉर्म है या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो है अजियोर. तो अजियोर क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. ओके, जो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ताकि आप आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपको देगा और आप यूज कर सकते हो. ओके, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट अजियोर आज, और हम इसकी के बारे में और जानेंगे ये AZ 900 के ट्रेनिंग में जो भी है. ओके, इसी के सर्विसेज के बारे में, ये पूरा एक फंडामेंटल सर्टिफिकेशन अजियोर ने बनाया है जिसको हम बोलते हैं AZ 900. ओके, तो इस पे कौन से सर्विसेज है, अजियोर कौन सा टाइप का सर्विस है, वो सब आपको ये पूरे सेशन में आपको पता चलेगा. फिर अजियोर क्यों यूज करें, उसके बहुत सारे कारण है और आपको मैं लिस्ट भी करके दे दूंगी ये पूरे 3 दिन के या 4 दिन के जो सेशन है और हमारे पास, उसमें मैं आपको बता दूंगी. तो यहाँ पे कुछ मैंने बताया है, जैसे कि बहुत इजी है यूज करना. ओके, और जो सेशन में आए थे उनको भी मैंने दिखा दिया है थोड़ा कि कैसा इजी आप बहुत इजी है ये यूज करना एक तो. ओके, जो नए है क्लाउड में, लोग नए है, ओके, उनको, या फिर मैं बता सकती हूँ जो नॉन टेक्निकल लोग है, ओके, जिनको कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कोडिंग से आता नहीं है, IT से आता नहीं है, ऐसे बोल देते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इजी बन जाता है यूज करना. ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स भी मैंने बता दिए है, रोज या हर महीने लोग अजियोर पे अपना अकाउंट खोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी क्या है, डेटाबेसेस बनाते हैं, IoT सॉल्यूशंस बनाते हैं. ओके, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं अजियोर के इस प्लेटफॉर्म पे. तो आप देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट है, और अराउंड 95% कस्टमर्स जो फॉर्चून कंपनीज, हम बोलते हैं Fortune 500 है, क्लाउड पे यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट किए हुए हैं कंपनीज. ओके, और हमारे बहुत सारे कंपनीज, जैसे अभी जियो है वो भी अजियोर पे शिफ्ट हो रहा है, पिरामल है वो भी अजियोर पे है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो अजियोर पे शिफ्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि इतना ईजी है वो प्लेटफॉर्म यूज करना लोगों को. ओके, फिर एक और कारण है ग्लोबल रीच, वो अराउंड 60+ रीजन्स में, अराउंड 140 कंट्रीज में फैला हुआ है. ओके, ताकि लोग अपना जो भी उनको अगर क्लाउड चाहिए तो उनको मिल सके. ओके, उनका एप्लीकेशन लोगों तक हाईली अवेलेबल रहे. ओके, और आप देख सकते हो उनका स्प्रेड कितना है, इतने रीजन्स में है वो. आपको अगर आप इंडिया में हो और आपको क्लाउड सर्विस चाहिए तो उनका एक रीजन है इंडिया में और आप वहां से सर्विसेज ले सकते हो. ओके, तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स भी वो डालने वाले डाल रहे हैं. ओके, फिर हर साल अराउंड 600 सर्विसेज आती है. ओके, भले ही वो वर्चुअल मशीन्स हो, वर्चुअल मशीन्स में भी अलग अलग आते हैं, डेटाबेसेस में अलग अलग डेटाबेसेस आते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज
या रिसोर्सेज या फीचर्स थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ओके, और आपको वो सर्विसेस ला देते हैं. तो इसीलिए आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, मैंने यूज नहीं किए है पर जैसे मैंने सुना है ये सबसे वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है अज्योर. ओके, बहुत चीजें हैं उसमें सीखने के लिए और इन डेप्थ स्टडी करने के लिए. तो जो भी एक एक सर्विस है सच में बहुत उसका यूज है. ओके, और आप आगे जाके उसके बारे में आप और भी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं और वो टूल सर्विसेज में और डेप्थ में सीख सकते हैं. तो ये रहा अज्योर, क्या है अज्योर. ओके, तो चलते हैं वापस क्लाउड के बेनिफिट्स पे. जैसे कि मैंने बोला कि आप एक रीजन तो सुन लिया कि क्यों क्लाउड आजकल इम्पोर्टेंट है, क्यों क्लाउड यूज करते हैं, और उसके बेनिफिट्स मैं अभी आपको बताऊंगी. पहला बेनिफिट है हाई अवेलेबिलिटी. अभी हाई अवेलेबिलिटी है क्या, ओके, पहले हम ये देखेंगे हाई अवेलेबिलिटी. तो अभी हाई अवेलेबिलिटी है क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला आजकल लोगों को वेट करना पसंद नहीं है, नोबडी लाइक्स टू वेट. खाना भी जल्दी आना चाहिए, सब चीजें जल्दी होनी चाहिए, वो घाई है ना आजकल सबको, करेक्ट. तो मान लो किसी का एप्लीकेशन, मान लो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, ओके, और मैंने वो प्रोडक्शन में डाल दिया, ओके, बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने वो अवेलेबल करवा दिया, पर आप देख रहे हो कि मेरे साइड से लेटेंसी ज्यादा है. मेरे साइड से लेटेंसी ज्यादा है या हम बोलते हैं डिले, अरे ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, ओके, वैसा वाला. ओके, अभी आप मान लो इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, ओके, इंस्टॉल हो गया पर आपको वो एप्लीकेशन के अंदर घुसने के लिए टाइम लग रहा है. आप यूज कर रहे थे वो एप्लीकेशन नहीं, राइट, यू विल नॉट यूज दैट एप्लीकेशन, आप वापस इंस्टाग्राम पे जाओगे भी नहीं. तो तब ये जो हाई अवेलेबिलिटी है तब आती है. और अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तो आपको ये हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इनके अराउंड 60+ रीजन्स है. ये रीजन्स क्यों है, ताकि आपको वो लो लेटेंसी प्रोवाइड करे, लेटेंसी कम हो और हाई अवेलेबिलिटी ज्यादा हो. ताकि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो एप्लीकेशन है, उसमें ज्यादा डाउन टाइम ना हो, ज्यादा टाइम वो एप्लीकेशन लोगों तक ना मिले, ऐसा वो क्लाउड देखता है और क्लाउड ट्राई करता है प्रोवाइड करने के लिए. इसीलिए उसको हम बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी. अगर हाई अवेलेबिलिटी ज्यादा है मतलब वो आपको डाउन टाइम या लेटेंसी कम मिलेगी, ठीक है. तो ये हो गया एक बेनिफिट क्लाउड का. अगला बेनिफिट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी जैसे कि मैंने बोला, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, जब चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, जब चाहे नहीं चाहिए आप वापस उसको भेज सकते हैं, दे सकते हैं क्लाउड को, क्योंकि आपका हो गया काम यूज करके और आप उसके पैसे दे देंगे, ओके. तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी से क्या हो गया, बेनिफिट क्या हो गया, कि आप जब चाहे तब रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, जब चाहे नहीं चाहिए आप वापस दे सकते हैं, ओके. तो ये हो गया इलास्टिसिटी. तो क्लाउड ये बेनिफिट लाता है, इसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा. फिर नेक्स्ट एडवांटेज है स्केलेबिलिटी. अभी स्केलेबिलिटी क्या है, स्केलेबिलिटी में दो प्रकार है. पहला है वर्टिकल स्केलिंग और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. मान लो आपने एक वर्चुअल मशीन बना लिया है, ओके, और आप देखते हो कि आपको बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स की जरूरत है, ओके. तो अगर एक सिस्टम को, अगर एक वर्चुअल मशीन को मैंने और 9 वर्चुअल मशीन्स लगा दिए, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गया, बराबर.
आपका परफॉर्मेंस बढ़ गया, आपका क्या बोलते हैं रिएक्ट टू समथिंग, मतलब लोड बैलेंस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मिल गए, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स मिल गए आपका वेबसाइट हैंडल करने के लिए, ट्रैफिक और इजिली स्मूथली हैंडल हो जाएगा, बराबर। तो आपने क्या किया, आपने बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स लगा दिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, तो हम उसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हम उसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो मशीन है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिसोर्स है, आप उसको हॉरिजॉन्टल मैनर में बना रहे हो, मतलब आपको पास एक वर्चुअल मशीन है, उसके अलावा आप और वर्चुअल मशीन्स ऐड कर रहे हैं। ओके, तो आपका ट्रैफिक और अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और आपका वेबसाइट स्मूथली चलेगा। ये हो गया एक प्रकार का स्केलेबिलिटी। दूसरे प्रकार का स्केलेबिलिटी है वर्टिकल स्केलिंग। अभी वर्टिकल स्केलिंग क्या हो गया, अब मान लो आपके पास एक ही मशीन है, ओके, या एक ही सर्वर है, आप उसका जो कैपेसिटी है, इसका जो कैपेसिटी है, ओके, आप बढ़ा दोगे। अभी कैपेसिटी मतलब क्या, अभी एक मशीन में कोई भी हम लैपटॉप लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, कितना रैम है, कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं उसमें, क्या जीबी, कितना मेमोरी है, करेक्ट, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो सेम वो चीज आप आपके मशीन में, आपके रिसोर्स में बढ़ा सकते हो। तो वापस क्या हुआ, आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या हो गया, वही मशीन के, वही सेम साइज के आप 10 मशीन लगा रहे हो, ओके, पर अगर, और वर्टिकल में क्या हो गया, वही मशीन के अगर आप कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो, मतलब और रैम लगा रहे हो, और सीपीयूज डाल रहे हो, और प्रोसेसिंग यूनिट्स डाल रहे हो, जैसे सीपीयू हो गया, ओके, उसका मेमोरी बढ़ा रहे हो, ओके, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी। तो क्लाउड अगर आप यूज करोगे तो आप डिसाइड करोगे, वो आपको बेनिफिट देता है आपको डिसाइड करने के लिए, अगर आपको और रिसोर्सेस चाहिए या रिसोर्स का कैपेबिलिटी आपको बढ़ाना है, वो आप डिसाइड करते हो, तो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, ओके। फिर आता है रिलायबिलिटी। अभी रिलायबिलिटी क्या हो गया, रिलायबिलिटी मतलब मान लो आपका जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, जैसे कि मैंने बोला आप एक रीजन में उसको डिप्लॉय करते हो, ओके, रीजन में उसको बनाते हो, ओके, अगर ये रीजन ही फेल हो गया तो आपका एप्लीकेशन भी चला गया, बराबर। मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, ओके, वही डाउन हो गया वो रीजन कुछ वजह से, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पावर नहीं है, बहुत बारिश हो रही है इसलिए पावर ही नहीं है, ओके, तो अज़्योर क्या बोलता है कि भाई तुम छोड़ो वो मेरे पे, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है, ओके, तो मैं इंश्योर करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हमेशा रहे, चलता रहे, उस हाईली अवेलेबल रहे, ओके, ताकि कोई बाढ़ आए, क्या कुछ आए, वो मैं अफेक्ट करने नहीं दूंगा, दैट विल नॉट अफेक्ट योर एप्लीकेशन। तो क्लाउड वो आपको क्या बोलते हैं, श्योरिटी देता है, रिलायबिलिटी देता है कि आपका एप्लीकेशन जो भी हो आप उसको रिकवर कर सकते हो, ओके, हम उसको रिकवरी भी बोलते हैं, आप रिकवर कर सकते हो, ओके, और स्मूथली आपका फंक्शन जो भी है आप आराम से उसको चला सकते हो।
तो ये हो गया रिलायबिलिटी. ओके, तो यही चीज आपको क्लाउड से भी मिलती है. ओके, फिर आता है प्रिडिक्टेबिलिटी. अभी प्रिडिक्टेबिलिटी क्या हुआ कि आपको अगर कुछ भी प्रिडिक्ट करना हो, अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, कॉस्ट आप ज्यादा नहीं डालना चाहते, ओके, आपको आपका परफॉर्मेंस फिर भी बढ़ाना है, ओके, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है कि भाई मैं कर सकती हूँ, ओके, वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है, ओके, कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, अगर मेरा कॉस्ट कम है तो क्या हुआ, मेरा परफॉर्मेंस मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, ये सब चीजें अगर आपको देखनी है, आपको प्रिडिक्ट करनी है, ताकि आप आपके कस्टमर्स को जब भी आपका एप्लीकेशन अवेलेबल करो तो वो आप प्रिडिक्ट कर सको, तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी. ओके, तो प्रिडिक्टेबिलिटी क्या बोलता है, इट लेट्स यू मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूंगी, मैं ये रिसोर्स डिप्लॉय कर सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी में है. आपको वो प्रिडिक्टेबिलिटी क्लाउड प्रोवाइड करता है, अज्योर प्रोवाइड करता है. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो क्लाउड लाता है अपने साथ. हम जानते हैं कि आजकल इतने सारे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, करेक्ट, अपना जो डेटा है बहुत प्राइवेट रहता है, हम किसी के साथ शेयर करना नहीं प्रेफर करते, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि जरूरत है, उसके अलावा हम आगे नहीं जा सकते, बराबर, भले ही हम आधार कार्ड बना रहे हो, हम पैन कार्ड बना रहे हो, भले ही हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, हम हमारा डेटा दे रहे हैं, हमारा बर्थ डेट दे रहे हैं, हम हमारा ईमेल आईडी दे रहे हैं, जो चीजें बहुत पर्सनल है हमारे लिए, तो वो क्लाउड की क्या बोलते हैं, क्लाउड का लुकआउट हो गया, क्लाउड की क्लाउड का लुकआउट हो गया, मेरे को अभी वो हिंदी टर्म नहीं याद आ रहा. ओके, तो उनका वो तामझाम है, वो देखेंगे, ओके, कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो वेबसाइट आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने क्रिएट किया है और कस्टमर्स को पहुंचा रहे हो, वो कैसे सिक्योर रखे, कैसे उसका सुरक्षित, उसको सुरक्षित रखे, उसके बहुत सारे टूल्स सर्विसेज क्लाउड देता है. तो वो हो गया एक सिक्योरिटी कि भाई आप हम पे ट्रस्ट करो, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपका जो डेटा है वो हम सुरक्षित रखेंगे, ठीक है. तो वो एक बेनिफिट आ गया क्लाउड से. फिर आता है गवर्नेंस. अभी गवर्नेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया अज्योर 60 रीजन्स में प्रेजेंट है, उसका जो रीच है, उसके जो उसने पंख फैलाए हुए है वो 60 रीजन्स में है. रीजन्स क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगी. ओके, तो अभी हर एक जो कंट्री है उसके अलग रूल्स, उसके अलग रेगुलेशंस रहते हैं, बराबर, तो अज्योर को वो भी ध्यान में रखना पड़ता है और आपको उसके हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नेंस. जो अज्योर की बॉडी है, अज्योर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सब गवर्नेंस के जो रूल स्टैंडर्ड्स है वो ध्यान में रखता है और आपको आपका सर्विस प्रोवाइड करता है. ओके, तो ये एक बेनिफिट हो गया ना, आपको वो सब चीजें देखनी भी पड़ती, क्योंकि अगर आप आपका खुद का एक सर्वर या हम जैसे बोलते हैं डेटा सेंटर. ओके, अभी डेटा सेंटर क्या हो गया, मान लो बिल्डिंग है हमारे यहाँ पे, आजू बाजू बहुत बिल्डिंग्स रहती है, वो बिल्डिंग्स पे बहुत सारे फ्लोर्स रहते हैं, बराबर, तो हर एक फ्लोर पे मान लो ऐसे 100,000 सर्वर्स रखे हुए हैं. ओके, तो उसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर. उसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर. तो जो डेटा सेंटर है, ठीक है, वो उसमें आपके बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं, और हमारे बिल्डिंग में कैसे एक फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट्स रहते हैं, ओके, 3-2 जो भी है, बहुत सारे फ्लैट्स रहते हैं, बराबर, तो वो फ्लैट्स में मान लो बहुत सारे सर्वर्स आ गए, इधर बहुत सारे सर्वर्स आ गए, इधर बहुत सारे सर्वर्स आ गए, इधर बहुत सारे सर्वर्स आ गए,
ओके तो वो कलेक्शन ऐसे बिल्डिंग बना देते हैं और बहुत सारे बिल्डिंग्स रहते हैं ऐसे ओके एक रीजन में, ठीक है। तो उसको अगर आपको खड़ा करना है इंडिया में, तो आपको उसके टर्म इंडिया के जो रूल्स है जो रेगुलेशंस है वो आपको मानने पड़ेंगे। भाई आप ये रीजन में नहीं डाल सकते डेटा सेंटर क्योंकि ये मान लो फॉरेस्ट एरिया है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप यहाँ ये रीजन में डाल सकते हो, पर अगर आपने ये रीजन में डाल दिया तो आपको ये चीज स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ये हमारे रूल्स है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो चीज जो है वो अज्योर ध्यान रखता है और वो बेनिफिट आपको देता है कि देखो हमने ये देख लिया है आपका आगे का जो भी है वो आपको देखना है सर्विस, आप देख लो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हमने देख लिए हो रहे मैनेज उसके आगे आप देख लो। तो ये एक बेनिफिट दे देता है क्लाउड। फिर आता है मैनेजेबिलिटी। अभी मैनेजेबिलिटी मतलब आप आपके खुद के टर्म्स पे मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। वो जो ईज आता है जो क्या बोलते हैं हम एक काइंड ऑफ आसानी से आपको चीजें दे देता है ताकि आप खुद मैनेज कर सको, उसको बोलते हैं मैनेजेबिलिटी। तो मैनेजेबिलिटी आप खुद वो मैनेज कर सकते हो, आपको वो प्रेडिक्टेबिलिटी दे देता है, सब कॉन्फिडेंस दे देता है, तो ताकि आप वो इजिली कस्टमर के सामने डाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं मैनेजेबिलिटी। जैसे आप स्मूथली मैनेज कर सको आपका जो जो भी सर्विस है रिसोर्स आपने क्रिएट किया है इजिली मैनेज कर सको, इसीलिए वो आपको भी ये बेनिफिट दे रहा है, आपको एक एडवांटेज दे रहा है थ्रू इट्स पोर्टल थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। ओके तो ये हो गए क्लाउड के बेनिफिट्स अभी तक को। एक सेकेंड ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस आ गए मैं देख लेती हूँ तो जल्दी से। हाँ अभी सनिध्या, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या कर रहा है कि आपको जब रिसोर्सेस चाहिए ओके वो बढ़ा के आपको दे रहा है, आप उनसे रेंट ले रहे हो ओके तो जब चाहे आप उसको वापस दे रहे हो। पर स्केलेबिलिटी क्या है, अगर मान लो मैंने एक सर्विस डिप्लॉय की है जैसे मैंने वर्चुअल मशीन बना लिया डेटाबेस बना लिया ओके एक एप्लीकेशन में मान लो डेटाबेस लगता है ओके तो वो डेटाबेस की अगर मुझे कैपेबिलिटी बढ़ानी है परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो हम उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। जहां पे परफॉर्मेंस बढ़ाना है वहां पे स्केलेबिलिटी आती है, जहां पे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए वहां पे इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है तो हम उस वो है उसके बीच में डिफरेंस। नहीं स्केलेबिलिटी हॉरिजॉन्टल जो है वो आप पे है ओके आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। वही इसीलिए अज्योर जो मैनेजेबिलिटी का पॉइंट मैंने अभी बताया वो आप कर सकते हो, आप खुद मैनेज कर सकते हो, इसीलिए वो आपके ऊपर है आपको ज्यादा कंप्यूट क्या चाहिए वो आपके ऊपर है। तो वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल में क्राइटेरिया आप डिसाइड करते हैं बेसिकली ओके। अभी जैसे कि मैंने बोला कि आपके वेबसाइट पे ज्यादा लोड है ओके बहुत लो ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपको वो एक मशीन हैंडल नहीं कर पा रही है, वो लोड नहीं ले पा रही है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करो कि हाँ ठीक है ये मशीन कितना ले सकती है, इसके ऊपर मैं कितना मेरे यूजर्स को अकोमोडेट कर सकती हूँ। फिर अगर उस मान लो 10 यूजर्स ले सकता है, फिर आप एक और मशीन क्रिएट करो ताकि और 10 यूजर्स आ सके, और एक और मशीन क्रिएट करो ताकि और 10 यूजर्स आ सके। तो ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मशीन कितना लोड ले सकता है, उसके हिसाब से वही सेम मशीन आपका अगर आप उसका कंप्यूट पावर बढ़ा दो तो आप
और लोड ले सकता है नहीं ले सकता है वो आपको, आप वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हो. ओके वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, डाउन टाइम दिख रहा है, कस्टमर एक्सेस नहीं कर पाए, तो आपको समझना चाहिए कि वो एक मशीन लोड नहीं ले पा रहा है. ओके तो वो हो गया एक रीजन, आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं. फिर इलास्टिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक टू टेंड टू द चेंजिंग सिचुएशंस इन डिमांड. एब्सोल्युटली राइट. ओके शिवम ने बराबर आंसर दिया हुआ है. इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एक्चुअली. उस पे बहुत चर्चा हुई. हाँ कैपेक्स ओपेक्स में अभी तक आई नहीं हूँ. ओके गवर्नेंस हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे रीजन्स में अजयोर बहुत सारे रीजन्स में है और हर रीजन का अपना रूल्स रेगुलेशंस रहता है, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं डेटा प्रोटेक्शन के तरफ. ओके ताकि आपका डेटा प्रोटेक्ट रहे. जैसे कि अभी मान लो यूएस है. ओके तो यूएस में कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, प्रोटोकॉल रहता है हम बोलते हैं उसको. ओके तो वो आपको क्या ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आप वेबसाइट कब डेवलप करते हैं, अभी फेसबुक और ये सब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि उनको फेसबुक के अभी जैसे कि विटी फीड जो कंपनी है, इंदौर की कंपनी थी जो रातों रात बंद हो गई और वो लोग शार्क टैंक पे भी आए थे, तो विटी फीड क्या कर रहा था फेसबुक पे कुछ अपना, आपको सबको पता है ना कि विटी फीड क्या कर रहा था, कि फेसबुक पे उनके वो एड्स चलते थे. ओके कमेंट्स और वो सब एक वो लोग बनाते थे राइट, कॉन्टेंट क्रिएटिंग काइंड ऑफ थे. तो अभी क्या हो गया कि यूएस में कुछ लॉस चेंज हो गए, बराबर रातों रात वो लॉस चेंज हो गए और रातों रात जो भी उनके जो लॉस थे वो विटी फीड से मैच कर, मतलब उनके अगेंस्ट जा रहे थे करेक्ट. तो इसीलिए उनको वो कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो उनके प्रोटोकॉल में बैठ नहीं रहे थे जो यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था फेसबुक के अगेंस्ट, बराबर वो लोग फेसबुक हार गए थे वो केस, बराबर. तो उनके इसीलिए वो रातों रात कंपनी बंद हो गई, स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पा रहे थे. तो जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. ओके कुछ अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो ये सेशन में आप बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, आप आपका माइक वीडियो ऑन नहीं कर सकते, तो एक प्रोटोकॉल हो गया ना एक सेशन का. तो अगर आप वो रीजन को ऊपर आपको आपका एप्लीकेशन पहुंचाना है तो आपको उसके रूल्स तो मानने पड़ेंगे. तो वही रूल्स जो ध्यान में रखता है वो गवर्नेंस बेनिफिट है अजयोर का. ठीक है हम इसके बारे में और जानेंगे, हमारा जो मॉड्यूल 3 है हम उसमें और गहराई से जानेंगे. ओके फिर और क्या थे, हाउ सिक्योर आर डेटा इज, आपको मैं बता दूंगी जब हम सिक्योरिटी पे आएंगे. ओके सिक्योरिटी का जब हम टॉपिक लेंगे वो कौन से सर्विसेज यूज करता है, आप यूज कर सकते हैं. ओके सी देखिए मानिए अजयोर जो है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद आपको जो करना है आपके ऊपर है, तो सिक्योरिटी भी आपके अंडर ही आती है इन अ वे. ओके फिर भी क्लाउड कुछ हद तक करेगा, पर आप मान लो वर्चुअल मशीन बना रहे हो या डेटाबेस बना रहे हो तो आप किसी को तो वो प्रोवाइड करेंगे करेक्ट. जैसे कि मैंने स्टार्टअप का एग्जांपल दिया था, आप वो सर्विस आप किसी और को कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, आपका वेबसाइट प्रोडक्शन में डालेंगे ताकि कस्टमर्स यूज कर सकते, तो सिक्योरिटी फिर आपके हाथ में आ गया. तो सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. तो अजयोर आपको बहुत सारे टूल्स देता है उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे ताकि आप आपका जो एप्लीकेशन है वेबसाइट है आप उसको सिक्योर कर सको. ओके तो वो हम आप डिटेलिंग में जानेंगे और जब हम कल के ही सेशन में आपको मैं बता दूंगी.
ठीक है, अभी आते हैं कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स में. तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका फुल फॉर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो है क्या कि अगर आपको मान लो डेटा सेंटर खड़ा करना है या सर्वर का एक रूम क्रिएट करना है तो आपको पैसे लगेंगे. तो उसको जो एक्सपेंस है, जो आप खर्च कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, भले ही मैंने जैसे कि बोला कि सर्वर्स भले ही आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पर इलेक्ट्रिसिटी, उसको मेंटेन करने के लिए टीम, उनको सैलरी देने के लिए, पावर यूनिट्स जैसे कि एसी, उनका मेंटेनेंस, जगह का भाड़ा, ये सब तो पैसे जाते नहीं है, ये फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुए क्योंकि वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्वर्स है, रैक्स, मतलब हम लोग बोलते हैं ना सर्वर्स है, ओके, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कैपिटल लगता है. तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर आता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. अभी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि आपको कोई, जैसे कि मैंने बोला अजर क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप यूज कर रहे हैं, करेक्ट, वो जो आप यूज कर रहे हो उसी का आपको पैसा देना पड़ेगा. तो उसको बोलते हैं पे एज यू गो, मतलब आपने इस्तेमाल किया आप उसको दे रहे हो. जैसे कि आप खाना मंगाते हो, कोई आपके लिए खाना बना रहा है तो आप उसका खाना देते हो, डिलीवरी का देते हो, तुरंत दे देते हो ना, ऐसे नहीं है कि दो दिन के बाद आप पैसा भरते हो, बराबर. तो तुरंत पैसा आप दे देते हो, तुरंत आपको उसका बिल आ जाता है, तो वही हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मतलब आप किसी का सर्विसेज, किसी का रिसोर्सेज जब चाहे आप यूज कर रहे हो, जब चाहे नहीं कर रहे हो, तो जब आप यूज कर रहे हो, जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा. तो भले ही आपने एक दिन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया है, उधार ले लिया है, तो आप उसका रेंट देते हो. मान लो आप अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो तो आप उसका कुछ तो पैसा देते हो ना, कहाँ ऑर्गेनाइज करोगे, उसका डेकोरेशन का खर्चा, वो सब आप भरते हो ना, तो वो हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. और उसके बाद आप यूज नहीं करते रहते, आप वापस वो इवेंट करोगे तो नहीं, तुरंत तो नहीं करोगे, बराबर. तो वो कॉस्ट जो है वो वही टाइम का हो गया, बराबर. तो इमीडिएटली आप पैसे दे देते हो, तो वो हो गया एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. तो जैसे आप आपके कपड़ों पे या ऐसे चीजों पे आप पैसे भरते हो, तुरंत भरते हो, तो वो हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. ऐसा नहीं कि आप खुद कपड़े बना रहे हो, आपके इसके हिसाब से मटेरियल ला रहे हो, बना रहे हो और खुद ही स्टिच कर रहे हो, नहीं ना. आप भले ही आप कपड़े ला रहे हो, पैसे भर रहे हो कब मटेरियल के लिए, पर आप किसी को हायर कर रहे हो स्टिच करने के लिए आपके लिए, तो उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा. तो वो हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. ओके, तो जितना टेलर मास्टर जी ने आपके कपड़े बनाने के लिए बनाया लिया होगा, वो उतना आपको देना पड़ेगा, तो वही ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया. ठीक है, तो क्लियर है डिफरेंस ऑपरेशनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर में. तो जो क्लाउड मॉडल्स रहते हैं वो होते हैं जनरली ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. आपके पास से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा नहीं लिया जाता. ठीक है, फिर आ गया कंजम्पशन बेस्ड मॉडल. ये कुछ नहीं पर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ही है. ओके, तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जैसे कि मैंने बोला, आप जैसा यूज करेंगे, जैसे आप कंज्यूम करेंगे कोई भी मॉडल, उसका आपको पैसा देना है. आप पैसे देने से पहले एक और एडवांटेज अजर पे है कि आप उसका कॉस्ट देख सकते हैं कि कितना मेरा स्पेंड होने वाला है. आप एक ठीक है, आप कुछ भी खरीदने से पहले आपके बैंक बैलेंस में कितने पैसे बचने वाले हैं आप सोचते हो ना, फिर आप उस वो खर्च करते हो, बराबर. तो सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो. आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से आप आपका एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा. तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड मॉडल. तो आप सिर्फ जितना आपने यूज किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको इवेंट का एग्जाम्पल दिया, एक घंटे के लिए वो जगह यूज किए, दो घंटे के लिए किए, तीन घंटे के लिए किए, आप उसी के हिसाब से पैसा भरते हैं क्योंकि आपने वही उतने ही टाइम के लिए वो कंज्यूम किया हुआ है, बराबर.
तो आप उतने के लिए ही पैसा भरते हैं. फिर बिलिंग बिलिंग जो है वो आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया है सर्विसेज बराबर, तो उसके हिसाब से आपको बिलिंग देना पड़ता है. एक मिनट तो आपका जितना यूज हुआ है उसी के लिए आप पे करते हो, तो कैपेक्स और कंजम्पशन बेस्ड मॉडल इन अ वे एक ही हो गया. ठीक है, तो अज्योर जो है वो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर फॉलो करता है, और जितना आप कंज्यूम करते हो उसी के हिसाब से आपको वो मांगता है. तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो आप दे रहे हैं अज्योर को, आपको कैपिटल का कुछ नहीं देना पड़ता. ओके, और वो कैसे पता करता है कि आपने कितना कंज्यूम किया है, उसके हिसाब से आपको वो ऑपरेशनल चार्ज बताएगा. ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल. ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नहीं, सिर्फ कैपेक्स में आता है जो मनी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ओके, फिर आता सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डन, यस उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. अज्योर आपको सजेशंस नहीं देते रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस, वो खुद ही अडियर करते हैं, इसीलिए उन्होंने वो रीजन्स पे अपने सर्विसेस प्रोवाइड किए. ओके, सब जगहों पे है नहीं उनका, आप जैसे देख रहे हो 140 कंट्रीज है पर 60 रीजन्स ही है, ज्यादा कुछ रीजन्स में नहीं है. अभी मलेशिया में, मुझे मेरे कलीग ने बताया कि अभी मलेशिया में एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर आ रहा है. ओके, तो क्यों इतने साल लगा, क्योंकि कुछ होंगे रूल्स और रेगुलेशंस जो वो नहीं कर पा रहे थे एडजस्ट. ओके, तो आपको कोई सजेशन नहीं आता, ये सब अज्योर देख लेता है. यही तो बेनिफिट है अज्योर यूज करने का. ओके, ताकि आप जब आपका सर्विस या एप्लीकेशन डाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ओके, तो आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अज्योर ऑलरेडी देख लेता है. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स. अभी क्लाउड मॉडल्स कौन कौन से तरह के हैं, पहला तो है पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड क्या हो गया कि अज्योर, जीसीपी, AWS, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि दूसरे आए उनका सर्विस यूज करे, जो भी उनको यूज करना है, वेबसाइट डेवलप करनी है, एप्लीकेशन डेवलप करना है, जो भी वर्चुअल मशीन बनानी है, डेटाबेस बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो आए मेरे प्लेटफॉर्म पे, आए मेरे रिसोर्सेज सर्विसेज यूज करे और मुझे उसका पैसा दे, तो वो हो गया पब्लिक क्लाउड. समथिंग दैट इज ओन्ड बाय समबडी एल्स, और वो जो ओन कर रहा है वो दूसरों को अपना क्लाउड यूज करने की परमिशन दे रहा है, तो उसको उसने पब्लिक बना दिया. ओके, जैसे कि हम गवर्नमेंट जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है सबको यूज करने देते हैं, विजिट करने देते हैं बराबर, तो उसको हम बोल देंगे इन अ वे पब्लिक क्लाउड. ओके, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न हो गया, गूगल हो गई, तो वो लोग दूसरों को अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो सर्वर्स है, जो भी है, वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि लोग आए और अपनी चीजें इंटरनेट पे डाले, तो उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड. फिर आ गया प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड क्या है कि मान लो एक एक्स वाई जेड कंपनी है, ओके, उनका एक बिल्डिंग है डेटा सेंटर्स से भरा हुआ, पर वो जो बिल्डिंग है, वो जो डेटा सेंटर्स है या क्लाउड है, ओके, वो दूसरों को नहीं दे रहे. मतलब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक अलग पब्लिक क्लाउड है,
पर माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज जो है उनके लिए एक अलग से क्लाउड है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज एक्सेस कर सकते हैं, और कोई जैसे कि हम है, मैं हूँ, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड. और प्राइवेट क्लाउड का दूसरा नाम है ऑन प्रेमिस. अभी ऑन प्रेमिस क्यों है? क्योंकि ये किसी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रिमाइसिस पे है, बराबर. कोई अभी मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, उन्होंने खुद का एक डेटा सेंटर बना लिया, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को दे देंगे ओके, और किसी को एक्सेस उसका नहीं मिलेगा. और ऑन उनके प्रिमाइसिस में है, इसलिए उसका नाम है ऑन प्रेमाइस क्लाउड या ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो ये क्लाउड दे रही है वो ही खुद रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों का, सिक्योरिटी का, मेंटेनेंस का, ओके. जो कैपिटल लगता है इन्वेस्ट करने के लिए वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, ओके. तो उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड या ऑन प्रेमिस क्लाउड. यस, करेक्ट. फिर आ गया हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड है क्या? मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. मान लो आपके घर पे शादी है, ओके, मेहमान आते हैं शादी में, ओके. आप बहुत धूमधाम से शादियां होती है आजकल, हम लोग को सबको पता है, करेक्ट. तो अगर कुछ बहुत सारे गेस्ट हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ गेस्ट का अरेंजमेंट आप आपके घर पे करोगे, कुछ गेस्ट का अरेंजमेंट आप होटल पे करोगे. तो वो क्या हो गया, एक हाइब्रिड वे हो गया टू मैनेज योर गेस्ट, ओके. तो मान लो आपके कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ ऑन प्रेमिस या प्राइवेट क्लाउड पे है, कुछ पब्लिक, और आपको कुछ अभी वो पब्लिक क्लाउड पे शिफ्ट करनी है. आपके प्राइवेट डेटा सेंटर पे ज्यादा जगह नहीं है, आप सर्वर्स और नहीं डाल सकते, और आपको पब्लिक क्लाउड की हेल्प चाहिए, ओके. तो आप फिर वो चीजें, थोड़ी एप्लीकेशंस आपके जो है पब्लिक क्लाउड पे डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, वो कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, ओके. जैसे कि आपके जो गेस्ट है होटल में है, वो हो गया एक काइंड ऑफ पब्लिक क्लाउड. आप किसी और को बोल रहे हो कि भाई इनका ध्यान रखो, ओके. तो होटल स्टाफ क्या करेगा, वो ही टेक केयर ऑफ दैट, बराबर. और घर पे आप क्या कर रहे हो, आपके गेस्ट का आप खुद ध्यान रख रहे हो, तो हो गया प्राइवेट क्लाउड. तो उसका मिक्स हम अगर कर दिया तो उसको हो गया हाइब्रिड क्लाउड. और अगर आपको हाइब्रिड क्लाउड यूज करना है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लगता है, ये सबको नहीं मिलता, ये बेनिफिट सबको नहीं मिलता, ओके. और आप स्टूडेंट्स है तो आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है ये कैसे वर्क करता है. आपको अगर पब्लिक क्लाउड समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है. तो ये हो गए तीन प्रकार के क्लाउड, ये हो गए उनमें डिफरेंशिएशन. तो अभी आप देख सकते हैं पब्लिक क्लाउड में देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कि मैंने बोला, आपको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर देने नहीं पड़ते, सिर्फ ओपेक्स पे ध्यान देना पड़ता है, ओके. क्योंकि इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बना रहे, आपके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है उस पर, कोई और फोकस करेगा, जैसे कि Azure, AWS, GCP, वो उनका लुकआउट है, ठीक है. आप सिर्फ उनके सर्विसेज यूज करने के लिए आप पैसे भरेंगे, ओके. उसको हम बोलते हैं पे एज यू गो या ओपेक्स, ठीक है. फिर आ गया प्राइवेट क्लाउड. अभी प्राइवेट क्लाउड ये एक ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लिए सेटअप कर रही है, तो उनको कैपिटल तो लगेगा ही, बराबर, सर्वर्स लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ओके. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सब कुछ आ गया, उनको खुद वो सर्वर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अपडेट्स लेने पड़ेंगे, मेंटेन रखना पड़ेगा, खुद सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट क्लाउड, ठीक है. फिर आ गया हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड फ्लेक्सिबल तो है बोलने के लिए, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता, उसके लिए लाइसेंस लगता है, यू नीड टू बी सर्टिफाइड फॉर दैट, ओके.
मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत कॉस्टली होते हैं, ये लाइसेंस सब नहीं ले सकते. ओके और जो एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हैं, एंटरप्राइज मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उन लोग के पास जनरली ये रहता है. ओके और उनको तब फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत रहती है, तब वो लोग जाते हैं हाइब्रिड क्लाउड के लिए. तो ये जो टाइप्स ऑफ क्लाउड है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो हम एक ठीक है हम एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे. ओके 5 मिनट्स के बाद हम जाएंगे सर्विसेज पे. ओके
ठीक है, तो आई होप सब वापस आ गए हैं. हम अभी आते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑन क्लाउड. ओके, तो क्लाउड पे तीन प्रकार के सर्विसेज होते हैं. ओके, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो लेट्स सी ये तीन है क्या बेसिकली. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे फ्लेक्सिबल है, पहले तो मैं आपको बता दूं. ओके, मान लो अभी आप जब भी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी आपको वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी आपको अगर डिप्लॉय करना है, अगर आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करना है. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, कौन से साइज का वर्चुअल मशीन होना चाहिए, वो वर्चुअल मशीन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज होना चाहिए, ओके, कौन सा ओएस इमेज होना चाहिए, फिर कितना रन टाइम होना चाहिए उसका. अगर आपको ये सब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप यूज करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो इंफ्रा अभी इसमें क्या हो रहा है, फिर कि क्लाउड बोल रहा है कि आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो बोल रहा है कि देखो मैं जो सर्वर्स है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो नेटवर्किंग स्टोरेज, आपका आपका जो भी सर्विस आप बना रहे हो उसको आपको कहाँ पे भी स्टोर करना है, ओके, तो वो सब चीजें मैं देख लेता हूँ, आप आपके बाकी चीजों पे ध्यान दो. आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कितने वर्चुअल मशीन्स चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ओके, मान लो आप डेवलपर हो, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ तो चलता ही नहीं है. आजकल तो कंटेनर्स आ गए फिर भी, ओके, पर वो कंटेनर्स कहीं पे तो डिप्लॉय होंगे, उसके लिए तो एक ऑपरेटिंग इमेज चाहिए. कौन सा इमेज चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके, कितना उसका साइज होना चाहिए, उसका रन टाइम क्या होना चाहिए, उसमें कौन से एप्लीकेशंस चाहिए, उसमें कौन सा डेटा जाना चाहिए, वो सब आप डिसाइड करेंगे. ये जो चीजें हैं ये सब कौन ध्यान रखेगा, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां पे आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपके बैग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, आपके ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्लाउड के ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है. फिर आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या हो गया कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसके ऊपर कौन सा इमेज जाएगा वो सब मैं डिसाइड करूँ, जो सब है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. आपको क्या ध्यान देना है कि कौन से आपको एप्लीकेशन चाहिए टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उस पे कौन सा डेटा आपको डालना है, वो सब आप डिसाइड करेंगे. मेरे क्लाउड सर्विस आपके अंडर क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा ही, उसके अलावा जो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म लगता है, जैसे कि मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स चाहिए, रन टाइम क्या होना चाहिए उसका, वो सब आपका, वो सब चीजें भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेगा, ठीक है. तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. लास्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. आई एम प्रिटी श्योर हम सब ने ऑफिस 365, ईमेल्स, कैलेंडर्स, ये सब के बारे में तो सुना ही होगा, बराबर. तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या हो रहा है कि देखो जो भी पीछे का है बैकएंड है वो मैं देख लेता हूँ, क्लाउड सर्विस देख लेगा. उस आपको जो डेटा डालना है, मेरे एप्लीकेशंस लो, अभी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हम सबको पता है ऑफिस में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ये सब क्या है, ये सब इनबिल्ट एप्लीकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, बराबर. तो हम वो क्या करते हैं, हम वो यूज करते हैं, एप्लीकेशंस यूज करते हैं, बराबर. मान लो वर्ड यूज किया, तो वर्ड पे आपको क्या रेडीमेड डेटा आता है, नहीं, आप आपका खुद का डेटा डालते हो, बराबर. पर उसके पीछे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा यूज कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता, कितना स्टोरेज लग रहा है,
कितना नेटवर्किंग पावर चाहिए, कितना कंप्यूट चाहिए, ये आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या उसके पीछे जा रहा है, बराबर। तो ये सब चीजें अगर क्लाउड पे आप इमेजिन करो, वही उसको हम टर्म देते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपने कल सबने आउटलुक अकाउंट बनाया होगा, बराबर। तो वो आउटलुक क्या है? ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है जो आप यूज कर रहे हो। अभी ईमेल, जीमेल जो आप यूज करते हो वो क्या है? वो गूगल का ही एक एप्लीकेशन है। आपको एक बनाया बनाया एक यूजर पोर्टल मिलता है, आप यूज कर सको वो, करेक्ट। तो उसी को अगर आपने आप बना देते हो तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो तीन सर्विसेज हमने सीखी, ओके, तो ये क्या है, इसको आप मान लो, पहले आप कंपैरिजन देख लो, ओके। तो IaaS क्या है? सबसे फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे कि मैंने बोला, आप डिसाइड करेंगे, आप कॉन्फिगर करेंगे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, मुझे कितने मशीन्स चाहिए मेरा डेटा मैनेज करने के लिए, मेरा एप्लीकेशन क्या रहेगा, मेरा डेटा क्या रहेगा, वो सब आपके हाथ में है। फिर आ गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म क्या है कि भाई देखो, मैं आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आप, आपका स्टेज है, आपका माइक है, आप देख लो क्या करना है, ओके? तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, ज्यादा उस पे फोकस करना है, तो आप यूज करेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्योंकि जब भी आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो तभी क्या होता है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, आपको वो जल्द से जल्द डेवलपमेंट स्टेज से लेके प्रोडक्शन स्टेज में वो एप्लीकेशन लाना है, ताकि जल्दी यूजर्स को अवेलेबल हो। तो आप जो उसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितने सर्वर्स लगेंगे, कितना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, कितना साइज का मशीन लगेगा, वो सबको आपको डिसाइड करने के लिए टाइम नहीं है। तो तभी आप जो सर्विस यूज करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम है सिर्फ कोड पे ध्यान देने का, सिर्फ वो एप्लीकेशन को डेवलप करने का, वो हो गया पैस। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास रेडीमेड एप्लीकेशन है, उसी को यूज करके आपको आपका खुद का डेटा डालना है, ओके? वो भी सस्ता नहीं आता, ऑफिस 365 या ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हो, आप कुछ क्रैक्ड वर्जन डालते हो, आप ओरिजिनल वर्जन नहीं डालते, बराबर, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत हाई रहता है, आप उतना पे नहीं कर सकते, तो आपको कोई जुगाड़ू है वो आपको क्रैक करके दे देता है, फिर आप वो यूज करते हो, बराबर। तो वो फ्री नहीं आता, तो आपको वो उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर, ये जो सर्विसेज है, मैंने बोला ना कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है, तो वही यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो जो भी फिजिकल लेवल का रिक्वायरमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, पर जो उसके बाद है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसका आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आइडेंटिटी और किसको एक्सेस मिलना चाहिए, वो आप सब डिसाइड करते हो, ये आप डिसाइड करते हो, दिस इज डिसाइडेड बाय द कस्टमर, मतलब आप लोग जो क्लाउड यूज कर रहे हैं, वो हो गया IaaS। फिर PaaS में क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ शेयर्ड, ओके, ये यहाँ तक क्लाउड देखता है, ये क्लाउड का लुकआउट है, यहां से लेकर यहां तक आपका लुकआउट है, आप देखेंगे कौन, कस्टमर आप। फिर SaaS हो गया, SaaS में क्या आता है, यहां तक क्लाउड देखता है, ये पूरे चीज मैं थोड़ा कलर बदल देती हूँ, ये जो पूरा चीज है वो क्लाउड देखता है, ये जो चीजें है वो आप देखते हो, जैसे कि अकाउंट, अभी किन किन को मैं ऑफिस 365, क्योंकि क्या होता है, आप जब कंपनीज में जाएंगे तो ये अभी आप जो देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये टीम्स सबके पास एक्सेस नहीं होता, आपको पैसे भरने पड़ते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, बराबर। तो ये जो टीम्स का सॉफ्टवेयर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, जैसे कि मेरी कंपनी है सिनर्जेटिक्स, तो
तो जो जो सिनर्जेटिक्स का आईडी यूज करता है ओके उनको ये एक्सेस मिल जाता है. तो वहां पे आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि सिनर्जेटिक्स का क्या है, आपका एक आइडेंटिटी है, वो यूज करके आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं ओके. या फिर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसको क्या एक्सेस देना है या किसको कौन सी आइडेंटिटी देनी है, तो हम उसको बोलते हैं सैस. तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसको बोलती हूँ पिज्जा एज अ सर्विस. आई एम प्रिटी श्योर पिज्जा सुन के संडे को ही खाया था लोगों ने, याद है, तो मुंह में पानी आ गया होगा अभी भी ओके. तो मैं उसको बोलती हूँ पिज्जा एज अ सर्विस. अभी पिज्जा एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो ऑन प्रेमिस है, ऑन प्रेमिस में जैसे कि मैंने बोला प्राइवेट क्लाउड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब आपके हाथ में है, सबके सब आपके हाथ में है, इसमें क्लाउड कुछ नहीं करता. तो ये है आपका प्राइवेट क्लाउड. तो मान लो कि आप ऑन प्रेमिस मतलब आप स्क्रैच से पिज्जा बना रहे हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप पिज्जा बना रहे हो, मतलब आप खुद चीज ला रहे हो, खुद टॉपिंग्स डिसाइड कर रहे हो, खुद टमेटो सॉस बना रहे हो, खुद पिज्जा डो बना रहे हो, आप पिज्जा कहाँ बेक कर रहे हो, फायर के साथ, अवन में, गैस कौन सा लग रहा है आपको, ये सब अगर आपके हाथ में है तो उसको बोलेंगे ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर या प्राइवेट क्लाउड. ठीक है, तो अभी मैं बोलूं कि मैं आपको चीज दे रही हूँ, आपको टॉपिंग्स दे रही हूँ, आपको टमाटो सॉस दे रही हूँ और आपको एक पिज्जा डो दे रही हूँ, तो आप फिर क्या करोगे, वो पिज्जा डो के साथ आप फिर पिज्जा बनाओगे, उसको बेक करोगे, तो उसको बोल गया, उसको बोलूंगी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो जो पिज्जा बनाने के लिए सामग्री लगती है, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप कीजिए, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो आजकल आपने वो DIY किट्स सुने हैं, डू इट योरसेल्फ किट्स, तो उसी प्रकार का ये है. ठीक है, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो उसको बोलते हैं. तो आप ये देख सकते हैं, ये हो गया IaaS, फिर PaaS, अभी हम लोग ये बहुत कॉमन हो गया है, हम लोग स्विगी जोमैटो से ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं बराबर, या फिर रेस्टोरेंट को डायरेक्टली कॉल करके ऑर्डर करते हैं, तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. पिज्जा के साथ आपको क्या खाना है, किधर खाना है, वो आप डिसाइड करेंगे बराबर, बाकी डोमिनोज क्या करेगा, पिज्जा हट क्या करेगा, अगर आप उनके ऑर्डर प्लेस कर दोगे, आपको डायरेक्टली एक पिज्जा बना के घर पे पहुंचा देगा, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है, आपको सब रेडीमेड मिल रहा है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है और उसको डिप्लॉय कैसे करना है, उसमें डेटा क्या डालना है, वो आपके ऊपर है. जैसे कि आप सोडा डिसाइड करोगे, उस डाइनिंग टेबल कहाँ खाओगे, एक बार पिज्जा घर पे डिलीवर आ गया, शायद आप डाइनिंग टेबल पे नहीं खाओगे, नीचे बैठ के खाओगे, वो आपके ऊपर है. तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. और लास्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अभी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या हो गया कि आप चले गए पिज्जा खाने रेस्टोरेंट में, डोमिनोज में गए, पिज्जा हट में गए ओके, या ला पिनोज में गए, किधर भी गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट आपको टेबल दे देगा, रेस्टोरेंट आपको ब्रेवरेजेस लाके दे देगा. अभी सोडा मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपने घर पे पिज्जा मंगाया तो सोडा भी आपको ही लाना पड़ेगा बराबर, पेप्सी कोला जो भी है वो आपको ही लाना पड़ेगा ओके. पर आप जब रेस्टोरेंट जाते हो, आप थोड़ी मार्केट से लेके आते हो पेप्सी कोला, वो आपको रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है. तो सिमिलरली ऐसे जो एप्लीकेशंस है वो आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने ऑफिस 365 का एग्जाम्पल दिया, ऑफिस का एग्जाम्पल दिया, वर्ड एक्सेल रेडीमेड बनाए आपको मिल रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, खाने का काम कर रहे हो या फिर वो यूज करने का काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ओके. ठीक है, ये क्लियर है चीजें, कोई क्वेश्चन है?
यस इट टेक्स केयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पैचिंग है उसका अपडेशन जो भी करना है, मेंटेनेंस जो भी है. ओके अगर आप नहीं कर सकते चेंज इफ यू आर गोइंग फॉर अ पास सर्विस सानिध्या, ओके आप वो चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे जाइए ताकि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल रहे. ठीक है. यस इन IIS ओनली यू कैन यूज द आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया क्लाउड सर्विसेस. अभी हम जाते हैं रीजन्स पे कि क्या है रीजन्स, क्यों है रीजन्स. ओके जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे अजोर पे 60+ रीजन्स है. अभी ये रीजन्स क्यों है. ओके एक कारण मैंने आपको बता दिया, हाई अवेलेबिलिटी, कि आपके एप्लीकेशंस हाईली अवेलेबल रहे इसीलिए इतने सारे अजोर के रीजन्स है. तो अभी ये रीजन्स है क्या. ओके तो वो समझते हैं. मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करती हूँ, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए इसीलिए. ठीक है. मान लो मेरा एक एप्लीकेशन है, मैंने एक रीजन पे उसको डिप्लॉय किया है. मान लो आप सब इंदौर से आते हो तो इंडिया या इंदौर में मैंने डाला है. और ये मेरा एप्लीकेशन है. ठीक है. अभी मेरा एप्लीकेशन मुझे पूरे इंडिया में अवेलेबल बनाना है. तो ये जो एप्लीकेशन है अभी कहाँ पे, कौन से डेटा सेंटर पे प्रेजेंट है, इंदौर पे. बराबर. अभी जो उसका जो भी डेटा है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड, या आप जब डेटा वो एप्लीकेशन यूज करते हो, वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो यहाँ ये डेटा सेंटर पे स्टोर होता है. और ये डेटा सेंटर है किधर, इंदौर में. ठीक है. ये सिनेरियो सबको समझ में आ गया. ये आपका एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपके ये डेटा सेंटर पे आपका जो डेटा है एप्लीकेशन का या कस्टमर का डेटा है वो ये डेटा सेंटर पे स्टोर हो गया और ये डेटा सेंटर है इंदौर पे. अभी मान लो कि मेरे जो यूजर्स है वो सिर्फ इंडिया में नहीं पर एक लंदन रीजन है वहां पे भी है. लंदन में भी मेरे ये एप्लीकेशन के यूजर्स है और उनका भी डेटा यही डेटा सेंटर पे स्टोर्ड है. ओके अभी मान लो कि ये डेटा सेंटर कोई कारण से बंद हो गया. मान लो बाढ़ आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बहुत बारिश हो रही है, अर्थक्वेक आ गया. ओके मान लो, जस्ट हाइपोथेटिकली बता रही हूँ. ठीक है. तो क्या होगा, तब क्या होगा कि ये जो डेटा है मेरे एप्लीकेशन का सब गया, सब डेटा चला गया. ये इंदौर और एक ही रीजन में था, एक ही जगह पे मैंने इसको सेव करके रखा था. बराबर. तो क्या प्रॉब्लम होगी, मेरा सब डेटा गया. बराबर. और जो लंदन में थे, लंदन में थे मेरा जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उनको एक और प्रॉब्लम हो रही थी, वो थी लेटेंसी की. उनके लिए लेटेंसी सबसे ज्यादा थी. अगर लेटेंसी हाई है तो हाई अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई. बराबर. तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गई. और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो मेरा डेटा सेंटर है उसपे जो डेटा है वो सब का सब चला गया, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है. ओके तो इसका सोल्यूशन क्या है. तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इंदौर के साथ मैं मेरे लंदन रीजन में भी डेटा सेंटर पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो रेप्लिकेट कर लूंगी. तो या तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, या फिर मान लो इंदौर के बाहर भोपाल में मैं एक और डेटा सेंटर में मेरा एप्लीकेशन का कॉपी बना के रख दूंगी, तो
तो भले ही इंदौर में डेटा चला गया कुछ रीजन के वजह से, तो क्या होगा कि मेरा जो डेटा है वो बैकअप हो गया, बराबर डेटा बैकअप हो गया, इंदौर का रीजन बंद हो गया, कोई बात नहीं भोपाल तो है, भोपाल बचा देगा मुझे, ओके, तो वो मैं यहाँ पे भी स्टोर कर सकती हूँ। अभी मान लो भोपाल भी बंद हो गया, तो ये जो लंदन के यूजर्स है या न्यूयॉर्क में जो यूजर्स है मेरे एप्लीकेशन के, उनको क्या होगा? भोपाल ने पहले बचा दिया क्योंकि इंदौर चला गया, तो यहाँ के ये सेंटर से कनेक्टेड रहे, पर मान लो भोपाल भी चला गया, तो जो लंदन में है, जो न्यूयॉर्क में है, वो मेरे एप्लीकेशन को फिर भी यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं आप दूसरे रीजन में भी आपका जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करके रख सकते हैं। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं रीजन्स। इसी कारण इतने सारे रीजन्स आपको दिख रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन एक ज्योग्राफिक जगह है, एक एक्चुअल जगह है आपके अर्थ पे, मतलब हमारे अर्थ पे वो एक्चुअल जगह है, ओके? सच्ची में यहाँ पे क्या होता है, ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है? तो ये हो गया एक रीजन। तो रीजन क्या है? एक एक्चुअल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन अर्थ। तो वो रीजन्स में क्या होता है? वो रीजन्स में होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। अभी अवेलेबिलिटी जोन क्या हो गया, ठीक है, अभी मान लो इंदौर, ये अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, और मान लो खजुराहो है, ओके, खजुराहो सिटी, ओके, ये तीन जगह है, और इंदौर एक रीजन है, सॉरी मध्य प्रदेश एक रीजन है, ऐसे मान लो, ठीक है? तो वो रीजन में जैसे कि मैंने बोला तीन अवेलेबिलिटी जोन्स रहते हैं। अब ये अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है? अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब डेटा सेंटर, वो कुछ नहीं पर एक डेटा सेंटर ही है। अभी डेटा सेंटर्स मैंने पहले ही बताया था, एक बिल्डिंग है जहां पे आपके बहुत सारे सर्वर्स और ये सब चीजें होती है, बराबर, वो वहां पे स्टोर्ड रहता है आपका डेटा। तो एक रीजन में तीन अवेलेबिलिटी जोन्स है। क्यों है? मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दिया, अभी इंदौर चला गया, भोपाल है, भोपाल का जो भी डेटा है, जो सॉरी इंदौर पे जो भी आपने डेटा बनाया है, जो लेटेंट जो बैकअप चाहिए वो आप भोपाल पे डाल सकते हो। अगर भोपाल भी चला गया तो आपके पास खजुराहो है, खजुराहो का भी आप डेटा सेंटर यूज कर सकते हो। तो ये तीन चीज क्या हो गई, ये एक रीजन हो गया। पर एक रीजन के अंदर जब मैं डालती हूँ अवेलेबिलिटी जोन, ओके, तो अवेलेबिलिटी जोन मानो एक हो गया इंदौर, एक हो गया खजुराहो, एक हो गया भोपाल, तो उसको बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी जोन्स। व्हाई यू नीड अवेलेबिलिटी जोन्स? ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो हाईली अवेलेबल रहे और जो लेटेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा कम रहे, ओके? तो ये बेसिकली होते डेटा सेंटर्स ही है पर एक रीजन के अंदर, ओके? तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स है हमारे ग्लोब पे जहां अज्योर है, और वो रीजन्स के अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन्स है जो कुछ नहीं पर एक डेटा सेंटर है। और ये जो डेटा सेंटर्स है वो कनेक्टेड होते हैं एक प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से, लो लेटेंसी होते हैं ये, क्योंकि जब आप डेटा किसी एप्लीकेशन के लिए आप डाल रहे हो और किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका जो डेटा सेंटर है वो कम से कम वेवलेंथ यूज करना चाहिए, आपका जो डेटा है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो जितना लेटेंसी कम रख सके डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ओके, क्योंकि स्लो नहीं होना चाहिए, उसका खुद का वो कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए जब वो डेटा एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में डाल रहा है, ओके,
तो अभी हमें वो लो लेटेंसी फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए, और हर एक जो अवेलेबिलिटी जोन है उनका खुद का एक कूलिंग यूनिट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहता है, खुद का नेटवर्किंग रहता है. ओके, वो भले ही एक अवेलेबिलिटी जोन चला गया पर आपका डेटा दूसरे दो अवेलेबिलिटी जोन्स में बैकअप है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है. तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अवेलेबल रहता है और डाउन टाइम कम हो जाता है. ओके, तो ये हो गया आपका बेनिफिट क्लाउड का, जैसे कि वो आपका एप्लीकेशन कॉन्स्टेंटली आपके साथ आपको प्रोवाइड करता रहे. ठीक है, तो ये है अवेलेबिलिटी जोन. तो एक अवेलेबिलिटी जोन है डबलिन आयरलैंड में जो ऐसे दिखता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्किंग के स्टेशंस है, बहुत सारे कूलिंग यूनिट्स है, ये सब सर्वर्स है जो है यहाँ पे. तो ये सब कूलिंग यूनिट हो गया ताकि सर्वर्स जो तब यू नो गर्म हो रहे हैं वो उनको ठंडा कर सके. ओके, तो एक अवेलेबिलिटी जोन ऐसा दिखता है, एक रीजन ऐसा के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन ऐसे दिखता है. ओके, समझा कॉन्सेप्ट अवेलेबिलिटी जोन रीजन का. वर्जनिंग तो नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट रेप्लिका आपका डेटा वहां पे स्टोर होता है. ठीक है, तो हम उसको वर्जनिंग तो नहीं बोल सकते. इज इट एनी हाइब्रिड वर्जन वेयर वी कैन मैनेज क्लाउड सो दैट वी कैन हैव एक्सेस टू बोथ पास एंड IaaS? ऐसा नहीं है अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली. आप इधर पास कर सकते हैं या इधर IaaS पे जा सकते हैं. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड नहीं मिल सकता आपको इस सिचुएशन में. ओके, तो इसका हाइब्रिड वर्जन अवेलेबल नहीं है. ओके, वर्जनिंग नहीं होगा डेटा का, उसको एग्जैक्ट रेप्लिका बोलते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका अवेलेबिलिटी जोन्स और रीजन. तो मान लो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक पूरा मध्य प्रदेश जो है MP एक आपका रीजन है. मान लो MP में हर जगह पे बाढ़ आ गई, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया मान लो, तो पूरा MP डाउन हो गया मान लो. तो अभी क्या होगा, आपका एप्लीकेशन पूरा का पूरा डाउन हो गया बराबर. तो Azure पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है या एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं रीजन पेयर्स. तो ये रीजन पेयर्स क्या होता है कि मान लो MP का रीजन पूरा डाउन हो गया. ओके, ये MP है, ये पूरा डाउन हो गया. तो ये जो आपके जो डेटा है या एप्लीकेशन है जो आपने मध्य प्रदेश में क्रिएट किया है वो मान लो UP के डेटा सेंटर्स पे रेप्लिकेट हो जाता है. सेम चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेप्लिकेट यूपी के जो डेटा सेंटर्स है, मान लो नोएडा में है, एक आगरा में है, एक वाराणसी में है मान लो. ओके, वो उनके अवेलेबिलिटी जोन्स में स्टोर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रीजन पेयर्स. तो एवरी रीजन wherever you create your applications, store your applications, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे replicate हो रहा है. ठीक है, उसका exact copy दूसरे जगह पे बन रहा है, उसको हम बोलते हैं region pairs. So every region आप देख सकते हैं has another region associated with it, उसको बोलते हैं region pairs. Okay, ताकि आपका जो data है, आपका जो service है, वो कोई downtime फेस ना करे. ठीक है, तो ये हो गया रीजन पेयर्स. अभी आते हैं सॉवरेन रीजन्स पे. तो मैंने कुछ टाइम पहले गवर्नेंस की बात की थी, तो वो जो गवर्नेंस है. ओके, और जैसे कि मैंने बोला हर रीजन का अलग अलग प्रोटोकॉल रहता है, रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं जो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखनी पड़ती है. ओके, तो वैसे ही Azure ने रीजन्स को नाम दिया है क्योंकि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है थोड़े हटके है, अलग है. ओके, तो उनको उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनको एक अलग से रीजन ही बोल दिया है जिसको हम बोलते हैं सॉवरेन रीजन्स, क्योंकि उनके जो कंप्लायंस
के पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, वो कुछ अलग ही है. वो अलग से ही उनको अज्योर को ध्यान देना पड़ता है. ओके, तो उसी के कारण उन्होंने उसको अलग रीजन में डाला हुआ है, और वो अलग रीजन को कोई और मैनेज करता है, और अज्योर में ही उसको उन्होंने नाम दिया है अज्योर गवर्नमेंट. सो अज्योर गवर्नमेंट जो है, जो यूएस के गवर्नमेंट सर्विसेज है, उसका ध्यान रखता है, क्योंकि उनके कुछ अलग रूल्स है, अलग रेगुलेशंस है, तो उसके मॉनिटर करने के लिए एक अलग से ही बॉडी क्रिएट करके रखी हुई है, और उसको नाम दिया है अज्योर गवर्नमेंट. सिमिलरली चाइना, हमें पता है चाइना तो बहुत ही अलग है. वहां पे व्हाट्सएप, ईमेल जो गूगल के है चलते ही नहीं है, उनके खुद के एप्लीकेशंस है, पर अज्योर है चाइना में. ओके, तो उसका सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो वो 21 वायानेट कंपनी है, जो ध्यान रखती है चाइना के जो रेगुलेशंस है उसको मैनेज करती है, मॉनिटर करती है अज्योर के साथ टाई अप करके. तो अज्योर के जो सर्विसेज है वो फिर भी चाइना में अवेलेबल है. ये हो गया अज्योर के रीजन्स. ठीक है, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में. ओके, अज्योर ग्लोब आप जाके आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं. आप अभी इंडिया में है तो जनरली सेंट्रल इंडिया, साउथ ईस्ट, साउथ इंडिया, ये सब रीजन्स जो है वो आपके काम आ सकते हैं. आपको मैं बता दूंगी कहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी. फिर आते हैं, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है, सो डोंट वरी. उसको बोलते हैं अज्योर रिसोर्सेस. अभी अज्योर रिसोर्सेस क्या हो गया, मान लो आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, डेटाबेस बनाना है एक एप्लीकेशन के लिए. ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेस लगते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सर्विसेस, हम इसको बोलते हैं सर्विसेस, जो आप अज्योर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करता है, वही आपको यूज करके आपके जो भी एप्लीकेशंस आपको क्रिएट करने हैं, डेवलप करने हैं, आप कर सकते हैं. तो उनका नाम है अज्योर रिसोर्सेस. आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, आप बना सकते हो. आपको डेटाबेस बनाना है, आप बना सकते हो. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की पड़ी नहीं है, सिर्फ कोड की पड़ी हुई है. ओके, तो आप अज्योर का एक फंक्शंस है वो यूज कर सकते हो. फिर मैंने आपको बूटकैंप के टाइम बताया था ऐप सर्विसेज के बारे में. तो एप्स, अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी हो, ऐप बनाना हो, तो आप ऐप सर्विसेज यूज कर सकते हैं. आपको कुछ स्टोर करना हो, आपका खुद का डेटा, आपके मशीन में ज्यादा स्पेस नहीं है, क्लाउड में रखना है, तो आप स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो. ओके, फिर बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स है, आपको उसको मैनेज करना है, उसको एक अम्ब्रेला में लाना है, एक ही जगह पे रखना है, तो आप ले सकते हो अज्योर वर्चुअल नेटवर्क्स. ठीक है, इसके बारे में हम और कल चर्चा करेंगे. फिर आता है एक रिसोर्स ग्रुप. अभी रिसोर्स ग्रुप क्या है, वो एक कंटेनर जैसा हो गया. ओके, अभी कंटेनर हम कुछ डालने के लिए रखते हैं, बराबर स्टोर करने के लिए रखते हैं. तो मान लो आपके एप्लीकेशन पे एक ऐप सर्विस चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, एक वर्चुअल मशीन चाहिए. ये सब चीजें अगर एक ही एप्लीकेशन को चाहिए, तो आप एक ही जगह पे उसको एक सिंगल यूनिट के जैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप्स. ओके, तो वो एक कंटेनर जैसा बन गया, एक बैग जैसा बन गया. जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप आपके बैग में क्या क्या डालते हैं, कपड़े डालते हैं, जूते डालते हैं, फिर जो एक्सेसरीज लगती है, मतलब बॉयज है तो शेविंग किट रखेंगे, परफ्यूम रखेंगे, टूथब्रश रखते हैं, बालों को कॉम करने के लिए कॉम रखते हैं, तो वो आप एक ही जगह पे रखते हैं, बराबर एक ही चीज या कंटेनर में रखे बैग में डालते हैं.
वही चीज अगर आपको आपके एप्लीकेशन में चाहिए, अगर आपका एप्लीकेशन चाहता है वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट, डेटाबेस, तो आप उसको एक ही जगह पे स्टोर करके रखेंगे और वो है Azure Resource Group. तो Resource Group क्यों चाहिए? ताकि आप एक यूनिफॉर्मिटी ला सके ओके आपके एप्लीकेशन में. तो भले ही आपके रिसोर्सेज अलग अलग जगह आप डिप्लॉय कर रहे हैं ओके हम ये कल देखेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ पे आप डाल सकते हैं, रीजन्स की क्या, और मैं बात करूंगी कल ओके एक्चुअली दिखा दूंगी आपको कल ठीक है. पर अगर आपको आपके रिसोर्सेज जगह जगह पे है, डोंट वरी, एक रिसोर्स वर्चुअल मशीन आपने यूएस में बना दिया, डेटाबेस आपने मान लो इंडिया में बना दिया ओके आप ये दोनों को कोलैबोरेट करके एक ही यूनिट में डाल सकते हैं. हम उसको कहाँ डालेंगे? रिसोर्स ग्रुप में ठीक है. तो आप ऐसे बहुत सारे उसके यूजेस है और बिना कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किए आप आगे नहीं जा सकते ठीक है. आपको एक रिसोर्स ग्रुप की जरूरत पड़ती है. तो जब हम कल कोई रिसोर्स बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी इसका मतलब क्या है ठीक है, और डेप्थ में जाएंगे कल. फिर आता है अज्योर सब्सक्रिप्शंस. अभी अज्योर सब्सक्रिप्शंस क्या है? अब हम सब OTT यूज करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon, वूट सिलेक्ट, सोनी लिव, बराबर. तो वो सब एक्सेस करने के लिए आपको सब चीजें फ्री नहीं मिलती. YouTube भी फ्री नहीं है, बराबर. आपको कुछ पैसे भरने पड़ते हैं क्योंकि अगर आप फ्री ट्रायल लेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें एड्स आती है, कॉन्स्टेंटली एड्स आती है, सब कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं रहता, बराबर. तो तब क्या होकर आप करते हो? आप पे करते हो, बराबर. आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो. वो अभी सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? मंथली हो गया, 7 दिन का फ्री ट्रायल हो गया, ईयरली सब्सक्रिप्शन हो गया, 6 मंथ्स के लिए आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा ओके. तो सिमिलरली अगर आपको अज्योर यूज करना है ओके, तो आपको अज्योर सब्सक्रिप्शन की जरूरत है. आप अभी स्टूडेंट्स है तो आपको फ्री मिलता है ये सब. आपका खुद का एक आप वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ. ओके अगर आप ये लिंक पे आएंगे तो आप देख सकते हैं, आप फ्री है टोटली अकाउंट क्रिएट करना. आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आके. आपको अराउंड 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं डॉलर्स ओके. तो आप यहाँ पे आके साइन इन करिए, खुद का अकाउंट बनाइए. अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं यहाँ पे आके और आपका खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको आप वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप वाकई स्टूडेंट है. तो आपको एक ID कार्ड अपलोड करना पड़ेगा ओके. तब जाके आपको ये अकाउंट बनाने की परमिशन मिल सकती है ठीक है. अनुप्रिया, सब जगह पे डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ 2 regions पे स्टोर होता है. तो जो 2 regions का गवर्नेंस और जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो होते हैं, तो सिक्योरिटी कम नहीं होती, सिक्योरिटी अच्छी रहती है. जितना कम उतना अच्छा, ऐसा हम बोलते हैं, वही यहाँ पे अप्लाई होता है ठीक है. तो आप खुद का अकाउंट बना सकते हैं. आप सिर्फ नॉर्मली सर्च करेंगे तो मिल जाएगा अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स, और आप उसके जो भी सर्विसेज है आप यूज कर सकते हैं ठीक है. तो सब्सक्रिप्शन अभी क्यों चाहिए रहता है? एक तो आपको पता करने के लिए कि आपका कहाँ तक आपका लिमिट है, आप कितना यूज कर सकते हैं ओके. हमें बिलिंग मिलता है, बराबर. जब हम OTT पे भी रजिस्टर करते हैं या पैसे भरते हैं, आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो आपको सिर्फ 6 महीने ही एक्सेस मिलेगा, बराबर. तो ये सब जो है वो कौन डिसाइड करता है? अज्योर सब्सक्रिप्शन की आप कितना यूज कर सकते हैं, आपका लिमिट क्या है, आपका बाउंड्री क्या है अज्योर के सर्विसेज यूज करने का, वो डिसाइड करता है सब्सक्रिप्शन ओके. तो
किसको कितना एक्सेस देना है, उसका कितना पैसा लगाना है, वो सब अज्योर सब्सक्रिप्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ग्रुप। तो मैनेजमेंट ग्रुप कुछ नहीं पर एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है। तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि LTI है, ओके मान लो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, लार्सन एंड टुब्रो का इंफोटेक कंपनी बोलते हैं इसको। तो ये कंपनी जो है मान लो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग के लिए एक डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए एक डिपार्टमेंट, डेवलपर्स के लिए एक डिपार्टमेंट, IT सर्विसेज के लिए एक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर उन सबको अज्योर यूज करना है तो उन हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक एक सब्सक्रिप्शन दे देंगे। तो भले ही ऑर्गेनाइजेशन LTI, तो LTI क्या हो गई, मैनेजमेंट ग्रुप हो गए, बराबर। वो मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है, करेक्ट। तो वो सब्सक्रिप्शन किस किस को है, सेल्स डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को और इत्यादि, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है कि जो रूल्स पॉलिसीज हमें इन जनरल लगानी है तो वो मैं मैनेजमेंट लेवल पे लगा सकती हूँ। अभी ये क्या हो गया कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें कुछ एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं, फॉर्मली ड्रेस्ड रहना पड़ता है, ये जगह पे स्मोक नहीं कर सकते, आईडी कार्ड पहने रखना पड़ता है, भले ही वो मैनेजर हो, एम्प्लॉई हो, ओके, भले ही वो डेवलपर हो, सेल्स में काम कर रहा हो, कोई भी हो, उसको एक आईडी कार्ड पहन के रखना पड़ता है। वो ये क्या हो गया, ये मैनेजमेंट लेवल पे रूल्स हो गए, बराबर। पर तो ये सब किसको लागू हो गया, सब डिपार्टमेंट्स पे ये लागू हो गया, करेक्ट। तो अगर आप कोई भी रूल्स पॉलिसीज आप मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे लगाते हो, बाय डिफॉल्ट जो भी सब्सक्रिप्शंस आते हैं वो मैनेजमेंट ग्रुप पे वो लागू हो जाते हैं। और वो जो सब्सक्रिप्शंस है, सब्सक्रिप्शंस के अंदर आप रिसोर्स ग्रुप्स बनाते हो, ये रिसोर्स ग्रुप्स है आप बनाते हो, वो रिसोर्स ग्रुप्स पे भी लगते हैं और वो रिसोर्सेस पे भी लगते हैं। अभी मान लो आपको जापान रीजन में आपका एप्लीकेशन नहीं डेवलप करना है या डिप्लॉय करना है, तो आप एक पॉलिसी मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा सकते हो। LTI बोल सकता है कि भाई हमें हमारे सर्विसेज जापान में नहीं देने हैं, ओके, हमें उनसे हमारे पॉलिसीज मैच नहीं करते, हमें नहीं देना। तो आप एक मैनेजमेंट लेवल पे एक रूल क्रिएट कर सकते हो जो सब डिपार्टमेंट्स पे या सब सब्सक्रिप्शंस पे लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मैनेजमेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप्स हो सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक जल्दी से एक रिसोर्स ग्रुप बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है, बहुत इजी है। तो मैं पोर्टल पे जाऊंगी, तो ये हो गया Amazon अपना Azure का पोर्टल, सॉरी, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है आप देख सकते हो, बहुत सारे सर्विसेज है, रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये हम कल बात करेंगे, आज जाते हैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, इधर आप यहाँ पे डायरेक्टली आके सर्च कर सकते हैं वो पर्टिकुलर सर्विस जो आपको बनानी है, या आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप्स बने हुए हैं, ओके, तो मैं क्रिएट करूंगी, कुछ भी नाम दे दीजिए,
ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक रीजन मांग रहा है, तो आप देख सकते हैं इतना स्कोप है रीजन्स के लिए, ठीक है, इंडिया के रिलेटेड, साउथ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, ऐसे वेस्ट इंडिया है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं ईस्ट यूएस रखूंगी, उसके रीजन्स कुछ अलग है फॉर सम कॉस्ट पर्पसेस, इसलिए मैं ईस्ट यूएस सिलेक्ट करूंगी और मैं क्लिक करूंगी रिव्यू प्लस क्रिएट पे, तो एक वैलिडेशन होता है वो पास होता है और मैं क्रिएट करूंगी। तो जो भी आप कल रिसोर्सेस देखेंगे जैसे कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना है, वो मैं ये पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक एक वन वे जैसे कि आप ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उस जाने से पहले मुझे आपको लर्न पोर्टल के बारे में कुछ बताना है, कुछ डाउट्स है आज के सेशन के रिलेटेड? यस, आप जब स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको आपका, मैंने जैसे ही बोला, आपको आपका खुद का आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही फ्री नहीं मिलता। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिल सकता है, ओके? उसके लिए आप सर्च करिए फ्री ट्रायल, ऐसे डाल सकते हैं आप, तो एक ये लिंक आती है ये वाली फ्री, आप यहाँ पे आके क्रिएट करके, मेरा तो है ऑलरेडी इसलिए तो वो दिखा नहीं रहा है, ओके? तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे साइन इन आके, तो 1 महीने का आपको बेनिफिट मिलता है, 30 डेज, अराउंड 200 क्रेडिट्स, ओके? और उसमें बहुत सारे सर्विसेज आती है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, तो आप नॉर्मली भी सर्च करें तो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके? अगर रीजन पेयर फेल हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपका अज्योर का फॉल्ट है, ओके? तो आप वो खुद रेक्टिफाई करेंगे और आपको वो हेल्प करेंगे जो भी है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको 3rd डे पे बता दूंगी, जो थर्सडे है वो मैं आपको बता दूंगी, ओके? तो अभी का सेशन रैप अप करने से पहले डिलीट कर दूं, मैं कल बना दूंगी एक और। हेलो मानसी। यस सर। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, अगर आप वाइंड अप कर रहे हो तो। सर जस्ट 2 मिनट्स, फिर आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अगर आप LMS पे आएंगे तो आप देख सकते हैं एक लिंक क्रिएट किया, एक MS लर्न का लिंक है, ओके? तो अगर आप वो खोलेंगे तो आप लर्न के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो जैसे कि कल सुनीता ने आपको बताया होगा कि ये मॉड्यूल्स आपको लर्न, आप गो थ्रू कीजिए, ओके? तो आई होप आप सबने गो थ्रू किए होंगे, ओके? अगर आप ये हर एक मॉड्यूल जो है कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको एक बैच मिलेगा ऐसा वाला, जो आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, तो मैं मेरा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो लर्न मॉड्यूल्स किए थे, तो मेरा जो प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं और जो भी मॉड्यूल आप कंप्लीट करते हैं, अभी जैसे कि मेरा ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट है, ओके? ये आपको नहीं जानना क्या है कैसा है, आप अचीवमेंट्स में आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मुझे बहुत सारे ट्रॉफीज मिले हुए हैं, बैचेस मिले हुए हैं, तो आप ये लिंक्डइन के प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, ओके? शेयर देखिए, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ओके? और जब आप शेयर करेंगे प्लीज हमें टैग कीजिए, ओके? ताकि आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं क्लाउड के ऊपर, कितना अपडेटेड है क्लाउड के ऊपर, ओके? और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ये लर्न के मॉड्यूल्स पे, अच्छे से स्टडी कीजिए,
ओके, जो मैंने सिखाया है वही वहां से ही है, कुछ अलग है नहीं उसमें. ओके, और जो मॉड्यूल टू है, जो ये वाला है, वो आपको करना है. ओके, डिस्क्राइब एज योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेस कल के लिए. ओके, और आपको सैंडबॉक्स और उसके बारे में कल बता दूंगी. ओके, एनी डाउट्स? ओके, सो मनीषा आप कंटिन्यू कर दीजिए. थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो. थैंक यू मानसी फॉर द वंडरफुल सेशन. ओके, तो प्लीज कोई मत जाइएगा, थोड़ी एक 2 मिनट का अनाउंसमेंट है. तो ये अनाउंसमेंट ये है कि आपका जो लास्ट सेशन है, मीन्स जो फ्राइडे वाला जो सेशन होने वाला है, इज अ पेड सेशन. ओके, जो एग्जाम प्रिपरेशन सेशन है, जिसका कॉस्ट 1000 रुपीज है सिर्फ, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाले हैं, एग्जाम प्रेप के बारे में हम लोग बताने वाले हैं वहाँ पे. ओके, और उसके साथ ही एग्जाम प्रेप के बारे में मेंटरिंग सेशन भी होगा. आपके जो Q&A होंगे, वो Q&A आंसर किए जाएंगे वहाँ पे. आपकी जो भी डिफिकल्टीज होगी वो वहाँ पे सॉल्व की जाएगी. तो ये प्रॉपर 2 to 3 hours का सेशन रहेगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट होगा. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास दूसरा जो ऑफर है वो है एग्जाम वाउचर्स प्लस एग्जाम प्रिपरेशन सेशन. अगर आप एग्जाम वाउचर का जो कॉस्ट है वो 3100 अगर पे करते हो, तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. मीन्स आपको 1000 रुपीज भरने की जरूरत नहीं अलग से, अगर आप डायरेक्टली एग्जाम वाउचर लेते हो तो. ओके, तो जिसके अंदर प्रिपरेशन सेशन फ्री रहेगा. प्लीज नोट, फिर से एक बार बात बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम वाउचर ले रहे हो तो आपको एग्जाम प्रेप सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो फिफ्थ डे वाला सेशन है इसलिए इंटरेस्टेड रहोगे, तो प्लीज आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. उस फॉर्म के अंदर मैंने ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ है कि अगर आपको एग्जाम वाउचर लेना है तो आप यस बोल सकते हो. अगर आपको प्रिपरेशन सेशन लेना है सिर्फ, जिसका कॉस्ट 1000 रुपीज है, तो उसके लिए भी आप यस बोल सकते हो. आपके हिसाब से आप वहां पे डाल सकते हो. ठीक है, तो प्लीज अगर कोई इंटरेस्टेड हो फिफ्थ डे का जो सेशन, जो पेड सेशन है, उसके लिए अगर आपको एग्जाम वाउचर देना है तो प्लीज ये सेशन अटेंड कीजिए. एग्जाम देनी है आपका, अगर एज्योर फंडामेंटल में सर्टिफाइड होना है तो प्लीज आप ये सेशन प्लीज अटेंड कर दो, क्योंकि आपको बहुत इजी पड़ेगा ये एग्जाम देने के लिए. इवन एग्जाम वाउचर्स जो है वो 3100 में हम लोग दे रहे हैं, जिस द डिस्काउंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस इज 4200. तो आपको 1000 ऑलरेडी हम लोग कम करके दे रहे हैं. तो अगर मार्केट में आप जाते हो तो आपको ये 4200 में मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्ट हो तो प्लीज फिल दिस फॉर्म. और कल के सेशन के लिए एक अनाउंसमेंट है, कल का सेशन ये सेम लिंक से नहीं ओपन होने वाला है. उसके लिए आपको LMS के अंदर आके वहां पे आपको कल का सेशन अटेंड करने के लिए लिंक रहेगी, तो आप वो लिंक से ही कल का सेशन अटेंड करोगे. ठीक है, कल का सेशन 6 बजे डॉट चालू हो जाएगा, क्योंकि आज का सेशन हम लोग 20 मिनट्स लेट चालू किया, इसलिए हमें आज 8:20 हो गए हैं. लेकिन अगर कल हम लोग, अगर आप टाइम पे आते हो तो कल का सेशन भी हम लोग 6 बजे स्टार्ट कर सकते हैं और 8 o'clock टाइम पे वाइंड अप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. यहाँ पे मैंने फिर से एक बार लास्ट अनाउंसमेंट, मैंने फॉर्म चैट बॉक्स में दिया है, किसी को अगर चैट बॉक्स से एक्सेस नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ. थैंक यू. अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर आप वो LMS पे जो डिस्कशन फोरम बनाया है, आप वहां पे भी आपके जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो डाल सकते हैं, एंड सम ऑफ मेरे जो टीम है या फिर मैं, हम आंसर करेंगे. ओके,
थैंक यू सो मच गाइस.